हेलो एवरीवन, आप लोग काफ़ी पहले से आ गए। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों आवाज़ सही आ रही है? ऑडियो वीडियो सही है? ऑडियो वीडियो सही है दोस्तों? ओके, इट्स 6:28। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, सो हैप्पी टू सी यू ऑल। तो उसे पर बताना ऑडियो वीडियो सही है कि नहीं। ओके ओके ओके, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो रुद्र, हेलो तू सुनीता, हो सो गुड टू सी यू ऑल, सो गुड टू सी यू ऑल। हाय हाय, हेलो हेलो सौम्या, हेलो भास्कर, हाउ आर यू? दोस्तों अगर ऑडियो और वीडियो दोनों सही आ रही है तो टाइप यस, टाइप यस। एक बार सभी एक बार यस टाइप कर दो। सारी चीज़ें सही आ रही तो है। हेलो युगा, हेलो अंबिका, हेलो ऐश्वर्या, हेलो एवरीवन, आई एम ऑसम, सहाना हाउ आर यू? ओके ओके, सब सही है, ऑसम 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 ऑसम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो क्या लगता है दोस्तों, आज का सेशन कैसा होने वाला है? एक्साइटेड और नॉट एक्साइटेड? टाइप यस इफ यू आर एक्साइटेड, टाइप यस। हेलो सुधांशु, हाउ आर यू? ऑसम, लॉट्स ऑफ लव एवरीबॉडी। ओके, सो मैनी येसेस, थैंक यू सो मच। मोहम्मद कगदा नो रे कह रहे हैं, वो एक्साइटेड नहीं है, कोई बात नहीं। ओके ओके, मैक्सिमम पीपल आर एक्साइटेड। ओके, अनुराग इज नॉट एक्साइटेड। ओके 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 ओके, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन मैंने रखा था सेल्फ बिलीफ। ओके, आप लोगों को क्यों लगता है कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना? इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारी चीज़ें मैं ले सकता था कि मैं कुछ और टॉपिक रख दूँ, कि मैं कुछ और चीज़ें बोलूँ, कि कुछ मैं आर्ट रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक रखूँ जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर मीडियम में किसी ड्राइंग से रिलेटेड हो। मैं ये सारे टॉपिक्स ले सकता था, बट मैंने सेल्फ बिलीफ क्यों चुना? आपको क्या लगता है? लेट मी नो वॉट यू थिंक। आपको क्या लगता है कि मैंने सेल्फ बिलीफ क्यों चुना? उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट। ज्योति सेज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल। आई एग्री, आई एग्री, बिकॉज वी डोंट बिलीव ऑन आवर आर्ट। ओके ओके प्रणव, दैट्स ऑल्सो ए पॉइंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी थिंग। ओके, आई एम फ्रॉम नेपाल। ओके, थैंक यू सो मच रॉयल भाई फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन टूडे। ओनली आर्ट चैनल विच मोटिवेट्स। ओके, देखो दोस्तों, मोटिवेशन सही है, मोटिवेशन इज गुड, बट सेल्फ बिलीव जो टॉपिक है वो मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा बड़ा है। काफ़ियों को ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें जो हो रही है, ये सेल्फ बिलीव जो टॉपिक है, ये सिर्फ मोटिवेशन का टॉपिक है। हमें कई सारे लोग बोलते हैं कि हमें खुद पे बिलीव करना चाहिए, हमें खुद खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए, और ये सारे सेशंस जो मैं कर रहा हूँ वो आपको मोटिवेशन देने के लिए कर रहा हूँ। ये आपको लग सकता है ओके, लेकिन एक बार आप अब चीज़ों को समझना कि सेल्फ बिलीफ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने के लिए। ओके, इन आर्ट फील्ड देर इज़ मोर डिमोटिवेशन इन आवर सोसाइटी। एग्जैक्टली, वो एक पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ सेल्फ बिलीफ मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। या एग्जैक्टली सौम्या, ऑल दोज पॉइंट्स दैट यू आर गिविंग गाइज, इट्स रियली रियली ट्रू। आई एग्री विथ ऑल ऑफ देम। देखो वट आई फील, सेल्फ बिलीफ हमें अपनी आर्ट की जर्नी में कंटिन्यूस काम करने में हेल्प करता है। ओके, क्योंकि अगर आपके वर्क में आपका सेल्फ बिलीफ नहीं है, अगर आप खुद के काम पर बिलीव नहीं करते हो, तो आप कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाओगे। आपने कई सारे आर्टिस्टों को देखा होगा, उनका बचपन का सपना था कि मैं अच्छा आर्टिस्ट बनूं, उनका कॉलेज में उनका सपना था कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनूं, फिर धीरे धीरे घर के काम बढ़ते गए, थोड़ा सा टेंशन आ गया, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फिर उनको लगा कि नहीं यार अपनी शॉप भी तो संभालनी है, अपने बिजनेस को भी तो देखना है, ये सारी चीज़ें आती गई, लाइफ बीच में आ गई और हमारा जो आर्ट का जो सपना था वो वहीं रुक गया। होता है, और मैं ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं।
और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों पे हम बात करें। और आप लोगों क्या इस तरीके से जब आप कोऑपरेट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सीरियसली इन सब चीज़ों को सुनना समझना चाहते हो और अपने आर्ट फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, तो व्हाट आई फील कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अपने काम के ऊपर बिलीव रखना कि हम जो कर रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं पहुंचाएगा, हमें उस राह पे चलते रहना है। ओके, बहुत सारे स्ट्रेस तो ऑब्वियसली होंगे बट हमें उस पर आगे बढ़ना है। और सिर्फ मैं ये सारी चीज़ें बोलूँगा नहीं, आपके साथ मैंने बताया था आज 12 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज कुछ स्मॉल क्रिएटर्स अपने सेल्फ बिलीव नहीं करते बिकॉज दे थिंक दैट यू कैन नेवर सक्सेसफुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, काफ़ियों ने अपनी जर्नी बीच में रोक दी, अपनी आर्ट की जर्नी बीच में रोक दी क्योंकि उनको बिलीव नहीं था कि हम आर्ट में आगे बढ़ सकते हैं, उनको बिलीव नहीं था कि आर्ट में स्कोप है, उनको बिलीव नहीं था कि हम अपने जो डेली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो डेली के टेंशन है उसको हटा के कैसे हम काम करते रहें डेली बेसिस पे। ओके, और इसलिए मैं टेक्निकल पार्ट्स अपने यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूँ और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें मैं डालते रहता हूँ। आप लोग ये बताओ कि आपने डायरी और पेन रेडी कर लिया है? ओके, डायरी और पेन रेडी कर लिया है? टाइप यस अगर आपने रेडी कर लिया दोस्तों। यस 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 यस, ओके स्वागत, थैंक यू सो मच। हमको बिलीव है बट घर वाले को नहीं है, इसके ऊपर भी हम आएंगे कि हमको क्यों बिलीव है और घर वाले को क्यों नहीं है। यस यस यस, ओके, डायरी पेन रेडी, ऑसम। देखो मान लो मैं आपको बोलूं, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, जो भी मैं बोलूं उसको लिखना भी और ध्यान से सुनना भी। ओके, डायरी पेन रेडी कर लो और सुनो। मान लो मैं आपको बोलूं कि चलो यार वहाँ पे एक आर्ट का शो चल रहा है, वहाँ पे कई सारे आर्टिस्ट आएंगे, कई प्रोफेशनल आर्टिस्ट आएंगे। ओके, चलते हैं वहाँ पे बैठेंगे और जो भी वो आर्टिस्ट वहाँ पे हैं उनको आपको कुछ कोई टॉपिक रहेगा आर्ट के ऊपर, कोई ड्राइंग के ऊपर कोई टॉपिक है, कोई पेंटिंग के ऊपर कोई टॉपिक है, आपको उनको समझाना है। कैसा फील करोगे? आपको मैं ले जाऊं अपने साथ एग्जीबिशंस में और बोलूं चलो ये जो आर्टिस्ट यहाँ पे आर्ट के लवर्स काफ़ी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इनको कुछ समझाओ, इनको अपने ड्राइंग के बारे में बताओ, इनको अपनी पेंटिंग के बारे में बताओ, आप कैसा फील करोगे? कैसा फील करोगे एकदम फ्रैंकली फ्रैंकली बताओ कि आपको कैसा लगेगा। ओके, कैसा फील करोगे? इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। नर्वस नर्वस, ओके, OMG, ओके, अजीब लगेगा, थोड़ा सा शाय फील कर रहे हो, नर्वस, ओके। तो देखो नो डाउट हमें, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम किसी ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे आर्ट के लवर्स जुड़े हैं, आर्ट के लोग जुड़े हैं जो हमसे सीनियर हैं, जो हमसे सीनियर हैं, लेकिन हम उनको समझा रहे हैं। ओके, लेकिन हमको थोड़ा सा नर्वसनेस लगेगी। ओके, बट उसी के ऑपोजिट अगर मैं आपको बोलूं कि चलो एक स्कूल चलते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आर्ट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उनको समझाओ, तब आप कैसा फील करोगे? तब आप कैसा फील करोगे? नाउ टेल मी, रिलैक्स, ओके, रिलैक्स, प्राउड, नाइस, मज़ेदार, इजी इजी, गुड गुड, वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा, आई गेट अपॉर्चुनिटी, नाइस, इट्स टफ बट इट मेक्स मी हैप्पी, दैट्स ग्रेट, बिंदास, लव टू टॉक, ऑसम, आई लव योर पॉइंट्स दोस्तों। मनीषा, सूर्यांश, रॉयल, दीप्ति, आप लोगों के सभी के सब जितने भी आप लोगों ने आंसर दिए मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये सच्चाई है कि जब हम किसी छोटे बच्चे को, किसी हमसे जूनियर को हम समझाते हैं तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि वाह यार कोई हमसे सीखना चाहता है, उसको हम बहुत प्यार से समझा सकते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम रिलैक्स रहते हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से उसको बता सकते हैं कि देखो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। अगर वो 100 बार गलती कर भी दे तो भी हमें मज़ा आता है, क्यों, है ना? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी सीनियर के पास जा रहे हैं, हम किसी सीनियर के पास जब जा रहे हैं तो हमारे माइंड में पहले से रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, है ना, कोई गलती ना हो जाए, कोई हम मिस्टेक ना कर दें, कहीं हमने कुछ गलत बना दिया तो वो कहीं ऐसा ना सोचे कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है, इतना सारा टेंशन हो जाता है। नमस्ते अशोक, ओके, ये टेंशन हो जाती है। लेकिन बच्चों के सामने हम गलती करने से नहीं डरते हैं, ओके,
हम बच्चों के सामने गलती करने से नहीं डरते, और सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि हम गलती करने से बच्चों के सामने नहीं डरते। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं ऐसा होता है बेटा, ये ऐसा होता है, थोड़ा समझा सकते हैं उनको, है ना। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, ओके है ना, है ना, होना ही चाहिए। एग्जैक्टली तो अगर आपको अपने सेल्फ बिलीफ को बढ़ाना है, अपने वर्क में अपनी बिलीफ को बढ़ाना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, सिर्फ बच्चों के सामने नहीं बल्कि उन सीनियर आर्टिस्टों के सामने भी। ओके आप पूछते हो ना आर्ट में स्कोप क्या है, आर्ट में करियर क्या है, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि स्कोप बढ़ सकता है कैसे, जब आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, सिर्फ उन बच्चों के सामने नहीं उन बड़ों के सामने भी। जब आप सीनियर आर्टिस्ट कोई बैठा है या कोई सीनियर पीपल आए हुए हैं, उनको भी सिखा सको, उनको भी सामने से समझा सको, उनके सामने भी आप नर्वस फील ना करो। और ये क्यों, कैसे, कब होगा, जब आप अपने आर्ट में जो नॉलेज है आपका उसको बढ़ाते रहोगे डेली बेसिस पे, है ना। तो ये स्कोप के ऊपर एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपका आर्ट के ऊपर नॉलेज बढ़ रहा है, आपके आर्ट के ऊपर जो आपका एक्सपीरियंस है वो बढ़ रहा है, आप आर्ट के बारे में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जान रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, जो भी आपका मीडियम है उसके ऊपर कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो सिर्फ एक कैटेगरी के पीपल के पास नहीं, आप वाइड कैटेगरी के सामने काम कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके ओके सो ये एक पॉइंट था जो मैंने लिखा हुआ था कि आपको बच्चों के सामने और बड़ों के सामने, दोनों के सामने अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। और इसके साथ क्या होता है ना, देखो मान लो आपका सेल्फ बिलीफ अच्छा है तो आपको और भी ज़्यादा स्कोप मिलता है आर्ट में। ओके क्योंकि मैंने देखा है कि जो आर्ट के लेक्चरर्स होते हैं, कॉलेजेस में हो या स्कूल में हो, उनके समझाने का तरीका, उनके चीज़ों को बताने का तरीका कई बार जो यंग माइंड है उनसे मैच नहीं होता। अब जैसे क्या होता है ना, मान लो मैं किसी टीचर से पूछ रहा हूँ तो वो एकदम ऐसे बताते हैं जैसे पहले टाइम में उनको सिखाया जा रहा हो। ओके तो सेल्फ बिलीफ होना, अपने काम में अपनी नॉलेज का स्ट्रांग होना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपकी स्कोप को ये बढ़ा देगा। और इसके ऑपोजिट अगर आपका सेल्फ बिलीफ नहीं रहता है, ओके आपका सेल्फ बिलीफ नहीं रहता है तो आपका स्कोप उतना ही कम होते जाता है, क्योंकि आप फील करोगे अंडर कॉन्फिडेंट, आप फील करोगे किसी से बात करने में आपको झिझक होगी, और ये सारी चीज़ें शुरुआत में सबके साथ होती हैं। तो अगर आपके साथ है तो ये बहुत कॉमन सी बात है, बट हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को हम आज धीरे धीरे थोड़ा सा हटा सकें, थोड़ा सा खुद से उन चीज़ों को दूर कर सकें और अपना बिलीफ जो है अपने आर्ट में वो थोड़ा सा बढ़ा सकें। ओके दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं हम। ओके हमारा जो माइंड है ये रीज़न क्यों है, पहले आप समझो कि होता क्यों है ऐसा कि हमें अपने काम में, हमारे इस आर्ट की जर्नी में इतना बिलीव नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये नॉर्मल है। और मैं भी बहुत डरता था, मैं बहुत नर्वस होता हूँ जब मैं बहुत सीनियर आर्टिस्ट के सामने जाता हूँ, तो नर्वसनेस होना, डर लगना बहुत आम बात है। बट ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? अब ये जो जो पॉइंट मैं बोलूँगा ना उसको प्लीज़ नोट डाउन करना, और जब भी चीज़ ये सारे कारण आपके सामने आए तो एक बार समझना, उस पॉइंट्स को देखना, और आपको लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ें होती है। एक बार आप पॉइंट्स को जो जो मैं बोलते जाऊँगा उसको नोट डाउन करते जाना। ओके 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 गुड। सबसे पहली चीज़ है हमारा माइंड। ओके हमारा माइंड, हमारा माइंड से मेरा मतलब क्या है, हमारा जो माइंड है। ओके पेन को पी रेडी। ओके 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 इस पॉइंट को लिखो, हमारा जो माइंड है उसकी सर्वाइवल टेंडेंसी है। ओके हमारा जो माइंड है उसकी सर्वाइवल टेंडेंसी, मतलब मैं एक तो एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो आप पेंटिंग के ब्रश खरीदना चाहते हो, ठीक है, आप पेंटिंग के ब्रश खरीदना चाहते हो, एक ब्रश है जिसकी प्राइस है 5,000 रुपये, ठीक ठीक एक ब्रश है, ब्रश का सेट है, उसकी जो प्राइस है वो 5,000 रुपये की है। ओके एक ब्रश है जिसकी प्राइस है 50 रुपये की। ओके एक ब्रश है 5,000 रुपये का, एक ब्रश है 50 रुपये का, और एक ब्रश है जो अराउंड उसकी प्राइस है 2,000 रुपीज़।
ओके, और 1000 रुपीज़ वी कैन से 1000 रुपीज़, ओके। तो आप लोग किसको लेना पसंद करोगे, किसको लेना पसंद करोगे? तीनों में से आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? गुड क्वालिटी 1000 वाली, ओके 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 ओके। आपने कम से ट्राई किया हुआ है मान लो, लेकिन आपको दोबारा परचेस करना है, किसको लोगे आप? 50 रुपीज़, 1000 रुपीज़ और 5000 रुपीज़। ओके। तो बहुत सारे आंसर 50 में भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आंसर है 1000 में। और ये क्यों होता है पता है, ये क्यों होता है पता है? पुराने ज़माने में जब इंसान लोग जानवरों को मार के अपने जो दिन का गुजारा करते थे, तो हमारा क्या था कंडीशन कि हम जाएं इंसान जानवर को मारे, उसको पका के खाए, ओके। ये सिंपल सी बात है, ओके। और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो माइंड है वो सेफ खेलना चाहता है, वो सर्वाइवल चाहता है कि मुझे कुछ मिल जाए जिससे मैं ज़िंदा रहूं, जिससे मेरी अपनी जो लाइफ है वो चलती रहे, ओके। ये हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो ऐसे काम करता है कि नहीं? तो इसलिए जब भी हम कुछ चीज़ लेते हैं तो हमारा माइंड बहुत महंगे वाले को पहले नहीं लेता है, हमारा माइंड उस 5000 वाले को पहले इग्नोर कर देगा कि नहीं यार अभी रुक जाए, पहले हम थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं। और ये चीज़ होती है, और ये सबके साथ होती है, और ये नॉर्मल है ना? ये नॉर्मल सी बात है कि हमारा माइंड सेफ खेलना चाहता है, और हमारा माइंड रिस्क नहीं लेना चाहता, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ों में थोड़ा सा घबराता है। अब मान लो मैंने बोला कि वो 1000 रुपये वाला ब्रश आपकी एक महीने चलेगी, लेकिन वो 5000 वाला ब्रश आपका 10 साल चलेगा, तब आपको थोड़ा थोड़ा फील होगा, नहीं यार थोड़ी सी सेफ्टी है उधर, थोड़ा सा सेफ लग रहा है वो अब, है ना? और ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, अब 1000 रुपये वाला ब्रश जो एक महीने में ख़राब हो जाएगा, अब थोड़ा सा रिस्की लग रहा है वो। तो जब भी कहीं भी रिस्क की बात आती है, हम लोग थोड़ा सा पीछे हटते ही हटते हैं, और ये हर किसी के साथ है, ओके। तो इन सारी चीज़ों को आप छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी आपके पास कभी फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आए, तो आप इन चीज़ों को समझना, सारी चीज़ों को एनालाइज करना, ठीक है? तब आप समझना, क्योंकि हमारा माइंड ऑलरेडी बोल रहा होता है कि तू सेफ खेल, तू रिस्क मत ले, लेकिन कभी कभी आपको रिस्क लेना ज़रूरी है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप खासकर आर्ट की फील्ड में हो तो, है ना? दैट इज़ द थिंग, ओके। एग्जैक्टली अशोक, एग्जैक्टली, इसीलिए हर इंसान सेफ खेलना चाहता है। और दूसरी जो बात है, दूसरा जो कारण है, हम चेंज करने से डरते हैं, चेंज, कुछ भी चीज़ चेंज करना हो, ओके। अब मान लो आपको मैंने बोला कि ताली बजाओ, ओके, सब एक बार रुको, एक बार टाइप करना रुको, सब एक बार ताली बजाओ, ठीक है? दोनों हाथ लो, सीधे रखो एंड क्लैप क्लैप क्लैप, एक बार टाइप करना रुको एंड क्लैप, ओके। ट्राई ट्राई इट दोस्तों, ट्राई इट ट्राई इट, क्लैप क्लैप, ओके, है ना? कर रहे हो, ओके। अब ये बताओ कि किसका किसका राइट जो थंब है वो ऊपर था, किसका किसका राइट थंब ऊपर था, जो राइटिंग है, किसका किसका राइट हैंड ऊपर था? मेरा 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 मेरा, ओके 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 ओके, है ना, है ना? अगर मैं बोलूं, ओके, मैक्सिमम लोग का राइट हैंड ऊपर था, और ये हमें नेचुरली होता है, ये जब हम नेचुरली कहीं पे गए किसी शो में ताली बजा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड ऊपर आता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको सक्सेसफुल होना है, आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है, तो जब भी आप ताली बजाओ आपका लेफ्ट हैंड ऊपर आना चाहिए, आपका लेफ्ट थंब ऊपर आना चाहिए, कैसा लगेगा? अजीब लगेगा, लेफ्ट थंब ऊपर आ रहा है तो ऑकवर्ड सा लगेगा, है ना? जो लेफ्टी है वो उल्टा समझ सकते हो, है ना? ऑपोजिट थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, अजीब लगेगा। तो आप समझो इस चीज़ से कि जब हमारा माइंड इन छोटी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है कि जो चीज़ हम रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं वही चीज़ हम बिना जाने वही करते हैं, हम
तो जब भी हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कुछ अलग करके देखो, अब कुछ अलग ट्राई करो, अगर आपको ऐसा करना है, अगर आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है तो कुछ अलग ट्राई करो, इस तरीके से आप जो कर रहे थे वो गलत था, अब ऐसा करके देखो, होता है। लेकिन फिर भी हमें बहुत प्रैक्टिस लग जाएगी, हमें बहुत टाइम लग जाएगा ये समझने में, जब भी हम बजाएं हमें देखना पड़ेगा कि नहीं यार ये ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, प्रयास करना पड़ेगा। बहुत टाइम लग जाता है, तो हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता चेंज को तुरंत, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको समझो एक बार। और एक चीज़ आप अब इमेजिन करो, आप सोचो अपने पूरी लाइफ के बारे में सोचो, है ना, ट्रेनिंग करना पड़ेगा उसके लिए। ऋषि, अपनी लाइफ को एक बार सोचो कि आपने जो जो आज तक किया है, कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि नहीं यार ये चीज़ मैं ट्राई करूँ, पता नहीं रिस्की है यार, डिफिकल्ट लग रहा है, बट सडनली आपने ट्राई किया, आपने करके देखा और आपको लगा कि नहीं इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, इट वॉज ईजी, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? कोई इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़ हुई है आपके साथ? हुआ है ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फाइन आर्ट, ओके यस यस टाइप यस। अगर हुआ है तो कभी आपको लगा हो कि नहीं यार ये डिफिकल्ट है, ये तो पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, बट करने के बाद लगा हो कि नहीं ये तो इजी था, बस मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, है ना, परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, ओके पहले पहले डिफिकल्ट लगा फिर बाद में इजी लगा, है ना। तो देखो आर्ट में भी, पेंटिंग में भी, जब भी आप कोई मीडियम ट्राई कर रहे हो, भले ही वो ऑयल पेंटिंग हो, भले ही वो वाटर कलर हो, भले ही वो कुछ भी आप ट्राई कर रहे हो, आपको डेफिनेटली वो डिफिकल्ट लगेगा। पर एक बार आपको उसका प्रोसीजर पता चल गया, एक बार आपको समझ आ गया कि मुझे ऐसे प्रैक्टिस करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है ना, तब आपको वो इजी लगने लग जाता है। अभी मैंने एक ऑयल पेंटिंग की जो रियल टाइम वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया कि आप ऑयल पेंटिंग को बहुत लिक्विड लिक्विड लेते, थोड़ा सा मोटा मोटा कलर लो, है ना, तो बस वो छोटा सा चीज़ काफ़ी लोगों को हेल्प किया, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी हेल्प की थी। जब मैं ऑयल पेंटिंग सीख रहा था तो मैं भी कलर को बहुत पतला लेता था, मुझे लगता था यार नहीं हो रहा है ये, कहीं तो गलत हो रहा है, मैंने काफ़ी टाइम तक तो प्रैक्टिस किया नहीं हुआ वो, बट वो छोटी सी चीज़ पता चली कि थोड़ा सा लिंसिड ऑयल कम लेना है, बस वो एक चीज़ था जो तुरंत एक इम्प्रूवमेंट ले आया, बस वो एक छोटा सा पॉइंट, वो एक छोटा सा पॉइंट। आपके करियर में, आपके आर्ट की जर्नी में मैं ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस करते रहता हूँ क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें डेली बेसिस पे फील होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। आपको छोटी सी जानकारी मिली, आपका बहुत वर्क इंप्रूव हो गया, आपको छोटी सी जानकारी मिली, आपने देखा कि यार ये चीज़ तो बहुत आसान थी, ये चीज़ें होती है। और एक चीज़ जानते हो, मज़े की बात जानते हो, जब अब इसको सुन के बहुत अच्छा भी लगेगा काफ़ी को, देखो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ हमें बहुत डिफिकल्ट लग रही होती है, ओके, लेकिन कोई आदमी आता है उसको कर देता है, उसके बाद बाकी लोग को वो आसान लगने लग जाती है ना, ऐसा होता है। माउंट एवरेस्ट पे जब तेंजिंग नॉर्वे, एडमंड हिलेरी, उन्होंने जब क्लाइम किया था फर्स्ट टाइम, माउंट एवरेस्ट जब फर्स्ट टाइम चढ़ा था, तब उससे पहले किसी ने सोचा था कि यार माउंट एवरेस्ट भी कोई चढ़ सकता है? पर जैसे ही उन्होंने चढ़ के दिखा दिया, बाकियों को बिलीव हो गया कि मैं भी कर सकता हूँ, उसके बाद सेकेंड थर्ड बहुत लोग चढ़े, है ना। सचिन तेंदुलकर ने जब डबल सेंचुरी मारी तो कोई सोचा ही नहीं था कि सेंचुरी के बाद डबल सेंचुरी भी होती है। वैसे मैं बहुत क्रिकेट नहीं देखता हूँ, बट ये सारी चीज़ें मैं पढ़ते रहता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। और ये जब चीज़ें होती हैं, जब कोई एक आदमी कर देता है ना, जब एक आदमी ट्राई कर देता है कुछ चीज़ को करने का, तो सारे लोग के लिए वो चीज़ बिलीव हो जाती है, वो लोगों के लिए आसान हो जाती है क्योंकि वो उनको बिलीव हो जाती है। आप डांस इंडिया डांस देखते हो, डांस इंडिया डांस और कितने भी सिंगिंग के शोज आते हैं देखते हो, देखते हो टाइप यस, देखते हो तो टाइप यस, मैं आपको डेली लाइफ की बातें बताऊंगा बस, ठीक है। हम अपन यहाँ पे कोई वो क्या कहते हैं शो नहीं कर रहे हैं, बस हम आपस में बात कर रही हैं, समझना, ठीक है। डांस इंडिया डांस और कुछ भी शो देखते हो, है ना, कुछ भी शो, कुछ भी। अब इमेजिन, अब सोचो कि कुछ साल पहले तक वो जो डांस करते थे या गाना गाते थे या कोई भी रियलिटी शो थी, कुछ साल पहले तक उनका डांस कैसा था, उनकी सिंगिंग कैसी थी, उनका जो भी वो टैलेंट दिखा रहे हैं वो कैसा था, आज के टाइम में वो कितना इम्प्रूव हो चुका है, कितने नेक्स्ट लेवल पे वो करते हैं। फील होता है कभी ऐसा, घर में बैठे हो पुराने को देख रहे हो, अरे यार कैसा नाच रहा है, पहले टाइम में ऐसे डांस करते थे, आज का डांस देखो कितना नेक्स्ट लेवल पे होता है ना, होता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय वो पहले बार हुआ था, उस समय वो फर्स्ट टाइम था, उस समय वो नया था बहुत, तो किसी को बिलीव नहीं था खुद पे कि मैं अगर प्रैक्टिस करूं तो मैं ये लेवल पे पहुंच सकता हूं। किसी को उस समय बिलीव नहीं था, इसलिए मैंने आज का ये टॉपिक चुना कि बिलीफ, सेल्फ बिलीफ। एक बार आपको बिलीफ हो गया कि आप ओल्ड मास्टर टाइप के वर्क बना सकते हो, आपका जो भी आइडल है आप उसके जैसा वर्क बना सकते हो, एक बार आपको बिलीफ हो गया ना अंदर से, तो आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आप बस करोगे काम, आप बस दिल लगा दोगे काम करने में, है ना। समझना इस चीज़ को, एक बार फील करना कि उस समय डांस का लेवल, कोई भी सिंगिंग हो या किसी चीज़ का लेवल इतना अच्छा क्यों नहीं था, क्योंकि किसी को बिलीफ नहीं था कि इसमें भी कुछ किया जा सकता है। एक बार कई लोग निकलने लग गए, एक बार कहीं से कुछ लोग बनने लग गए, कहीं से कुछ लोग आगे बढ़ने लग गए, तो लोगों के लिए वो बिलीफ बन गई, वो आसान हो गया। आप लोग कई बार बोलते हो कि सर मैं बहुत छोटे टाउन से हूँ, मैं बहुत छोटी जगह में रहता हूँ, मैं छोटी जगह में रहती हूँ, यहाँ पे आर्ट का स्कोप नहीं है, यहाँ पे आर्ट का कुछ स्कोप नज़र नहीं आता। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं रायगढ़ में रहता हूँ छत्तीसगढ़, यहाँ पे आर्ट की गैलरी, आर्ट का कोई शो, आर्ट का कोई इवेंट कुछ नहीं होता है। आर्ट के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता अच्छे से, आर्ट का कोई टीचर नहीं है ढंग का, सोचो। तो अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर मैं छोटी जगह से हूँ, मुझे स्कोप नहीं मिलता, देन यू आर फॉर्चुनेट, तब आपकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि आपके पास मौका है। अब वो स्कोप आप फर्स्ट टाइम बना सकते हो अपनी जगह पे, ओके। आप लोगों के पास सारी सुविधा है, इंटरनेट में इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, आपको बस समझना है चीज़ों को, अपने काम को इम्प्रूव करना है, लोग अपने आप देखते हैं, अपने आप आपके पीछे चलते हैं, है ना। बहुत बहुत लोगों का ये मतलब मैसेज था, डाउट था कि सर हम लोग के पास स्कोप नहीं है, हम छोटी जगह से हैं, क्या कैसे करें, क्या इम्प्रूव करें। छोटी जगह वाली बात हो गई पुरानी, अब आपके पास सारा सुविधा है ना, अब आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं सिर्फ आपको ये मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिलीव मी, ये सिर्फ मोटिवेशन का काम नहीं है, ये चीज़ आप समझ जाओगे जिस दिन आप डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन निकालो, आर्ट के बारे में पढ़ो, आर्ट के बारे में जानो, आपको समझ आएगा कि आप वो स्कोप बना सकते हो। आपको स्कोप कोई और देगा तभी आप आगे बढ़ोगे, आप खुद बनाओ अपने लिए स्कोप। और ये चीज़ें दिमाग में रखना और चीज़ को लिख के रखना, ओके। तो अफ्रेड ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जब हम चेंज नहीं चाहते अपनी लाइफ में, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। आप चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि कोई और बदले। जब मैं आर्ट की फील्ड में घुस रहा था तो ना कोई समझाने वाला था, ना कोई बोलने वाला था कि आगे बढ़ो यार, मैं टेंशन में डिप्रेशन में रहा हूँ। दूसरा मैं सब चीज़ आप लोगों को स्ट्रेट बता देता हूँ ताकि आप लोग भी अपने से रिलेट कर सको कि यार यही होता है सबके साथ, ठीक है। लेकिन काम करते रहना पड़ेगा, अपने आप पे बिलीव करो। प्रणय लिख रहे हैं कि वी बिलीव यू, यू डोंट नीड टू बिलीव इन मी ब्रदर, अपने आप पे बिलीव करो कि आप जो आर्ट बना रहे हो वो आप उस पर आगे बढ़ सकते हो, और उस पर पूरी मेहनत से काम करो, और इन्फॉर्मेशन आपके पास भरी है इंटरनेट पे, ओके, दैट इज़ द थिंग। अब चलो आज का जो मेन मुद्दा है, टॉपिक, जो पॉइंट्स हैं कि हम इस सेल्फ बिलीफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रेडी फॉर दैट? टाइप यस, एक हार्ट दोस्तों मेरे लिए, एक छोटा सा दिल भेज दो, ओके, एक छोटा सा दिल भेज दो। हमने बात की कि सेल्फ बिलीव कितना इम्पॉर्टेंट है, हमने बात की करी कि वो क्यों होता है, हम स्टार्ट लेना नहीं चाहते, हमारे पास टेंशन है, हम चाहते कि कोई और हमारे लिए कुछ चीज़ों को बदले, हम खुद बदलना नहीं चाहते, ये सारी चीज़ें होती है। अब हम देखेंगे कि इसको हटाए कैसे, कि कैसे मैंने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की और मैं करते रहता हूँ डेली बेसिस पे, ओके। छोटा सा दिल सारों की तरफ से, जितने आप लाइव हो, एक छोटा सा दिल। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर लव, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको सुन के आप सही में रिलेट कर पाओगे, देखो, ओके, बहुत सारे हार्ट भेज दिए आपने तो, थैंक यू सो मच एवरीबडी, ओके। जो पहला पॉइंट है, अब अपनी डायरी और पेन को रेडी रखना और लिखना चालू करो। पहला जो पॉइंट है, और इसको दोस्तों देखो, जो मैं बोलूँगा ना लिखना, इसको सच में लिखना यार, वो काम करती है चीज़ें, वो मैंने खुद पे भी अप्लाई किया, मैं भी लिखता था, मैं भी अपने ड्राइंग को जितना आगे बनाता था उतना पीछे लिखते भी रहता था कि मुझे ये करना है, मेरा ये हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, लिखना उसको, ठीक है। और आज से 2 साल बाद 3 साल बाद उसको लिखावट को देखोगे ना, तो आपको आज का दिन याद रहेगा। डेली बेसिस पे देखोगे तो आपका दिन याद रहेगा कि नहीं यार, मुझे कुछ करना था, मुझे बढ़ना था, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इनिशिएटिव, अच्छे से लिख लो इसको, इनिशिएटिव।
इनिशिएटिव, राइट एवरीबडी, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, आपको काम शुरू करना है। और आपको लगेगा यार राहुल आपने तो ये छोटी सी बात बोली है, काम शुरू करना, हम तो ऑलरेडी बहुत काम कर ही रहे हैं, आप फिर से बोल रहे हो काम शुरू करो। मैं आपको प्रैक्टिस चालू करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इनिशिएटिव लेने बोल रहा हूँ। अब इस चीज़ का एक बार मतलब समझो आप, जब भी आपके पास कोई मौका होता है, कोई चीज़ आप सीखते हो, कोई चीज़ आप नेट पे देखते हो, कोई चीज़ आप जानते हो, आप चीज़ समझते हो, कोई टेक्निक समझते हो, आर्ट की कोई भी कुछ चीज़ें सीखते हो, तो आप उसको जब तक करोगे नहीं वो होगा नहीं, वो जब तक करोगे नहीं वो होगा नहीं। कई लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है, वो 10 क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कैसे, ये ब्रश कैसा होता है, ये कलर कौन सा होता है, ये पेपर ले कि नहीं ले, ये वाला टेक्निक कैसे होता है, इसको करें कि नहीं करें, वाटर कलर कैसा होता है, पोस्टर कलर कैसा होता है, इतने सारे क्वेश्चन लाइन से रहते हैं। कोई बुरा मत मानना अगर आप लोगों में से किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो, लेकिन देखो समझना इस चीज़ को, आप एक क्वेश्चन पूछे, मैंने कोशिश किया उसका आंसर देने की, लेकिन आपने जो पूछा, जो चीज़ मैंने बता दी अगर, तो उसको करो पहले, उसी में आपको 100 गलतियां अभी दिखने वाली हैं। अगर आप 50 चीज़ पूछ लोगे और आप करोगे कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मान लो आप कहीं भी हो, आप किसी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर आपकी कम्युनिटी है, या फिर कहीं पे आप गए हो, कहीं भी हो, मान लो 100 लोग हैं, ओके 100 लोग हैं मान लो, ठीक है, ओके 100 लोग हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें से कितने लोग काम करना एक्चुअल में चालू करेंगे? अब मैं मान लो यूट्यूब के वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स वगैरह डालता हूँ, तो चीज़ें देखते हैं बहुत जन, चीज़ें को समझते हैं कि हाँ ऐसे से होता है, कि पेंटिंग ऐसे से होती है, कलर को स्टार्ट ऐसे से करना है, लेकिन कितने लोग आपको लगता है कि स्टार्ट एक्चुअल में किए होंगे? आपको क्या लगता है कितने लोग एक्चुअल में स्टार्ट किए होंगे? 100 लोग हैं, 100 लोगों ने मान लो एक आर्ट का ट्यूटोरियल देखा, कितने लोग उसमें से एक्चुअल में उस चीज़ को सीख के स्टार्ट किए होंगे पेंटिंग एक्चुअल में करना? 10%, 30, 20, 3-4, बहुत कम। थैंक यू सो मच एरिना विद सुमन। 10 लोग, 20, 10%, आई स्टार्टेड आफ्टर वॉचिंग वीडियो, गुड। 10, 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
लगेगा सुन के। ओके ओके 1% 1% 10। चलो मान लो काफी ने 10 लिखा, काफी ने 20, काफी ने 30 लिखा, एवरेज ले लेते हैं 20। ओके एवरेज ले लेते हैं, 100 में से 20 लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक ठीक है, ये एवरेज ठीक है, क्योंकि उससे भी कम करते हैं रियलिटी में, तो 20% से भी कम करते हैं, लेकिन हम एक बार 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको आर्ट में आगे बढ़ना है, आर्ट में आगे बढ़ना है, और सच में आर्ट के बेसिस में, आर्ट की जो फील्ड, उसमें कुछ करना है, ओके है ना, उसमें कुछ करना है, तो आप किस में रहना पसंद करोगे, उस 20 लोगों में या उस 80 लोगों में, आप किस में रहना पसंद करोगे? उस 20 लोगों में से हम होंगे, गुड गुड, आई एम हैप्पी टू लिसन दिस। ओके मैंने ये नहीं पूछा कि आप अभी क्या करते हो, मैंने ये पूछा कि आप किस में रहना चाहते हो, उस 20 में या उस 80 में? 20 में ना, 20 में एग्जैक्टली। तो अब आप मान लो कि आपने मेहनत की, आपने काम करना शुरू किया, आपने इनिशिएटिव लिया, आपको मौका मिला, आपने उस पर लगा कि नहीं यार मुझे करना है, आपने वो 20% में आप आ गए, ओके तो आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, आपने अपने आप, आपने बोला कि मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगी, मैं तो प्रैक्टिस चालू करूँगा आज से, आपने अपने आप 80% को हरा दिया, अपने आप, आपको लड़ना झगड़ना नहीं पड़ा, अपने 80% से आप ऑलरेडी आगे निकल चुके हो, 80% से, और रियलिटी में तो 20% से भी कम लोग चालू करते, तो अगर आप सोच लो कि आप उस परसेंटेज में आ गए, तो ऑटोमेटिकली जो लोग आपका कंपटीशन, आप जिसको मान के चलते, वो ऑलरेडी साइड हो चुके हैं। ओके तो कभी भी ये दिमाग में मत लाना कि इंडिया में तो यार आर्टिस्ट भरे पड़े हैं, हमारा क्या होगा,
हमें तो कुछ नहीं हो पाएगा, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, हम इनके बीच में हम सक्सेसफुल कैसे होंगे, इतने लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, हम इनके बीच में कैसे आएंगे। सिंपल है, आपको बस उन 20% में आना है ना, आप ऑटोमेटिकली उस 80% को इजीली पीछे कर सकते हो, है कि नहीं। बाय द वे, ओके, सुपर सुपर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्राफिक ग्राफिक के मेंबर्स कितने हैं अभी, ड्राइंग मास्टरी के मेंबर एक बार टाइप यस, टाइप यस। आप लोगों ने ऑलरेडी पिछले बार इनिशिएटिव लिया और इसलिए मैं आपको इस सेशन में एक बार दिल से भी थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी स्टेप ले लिया है उस 20% में आने के लिए। ओके, जो ड्राइंग मास्टरी में आप लोगों ने एनरोल किया वो आप ऑलरेडी उस 20% में आ चुके हो। ओके, और आपको पता है दोस्तों, मैंने जो ये चीज़ चालू की है ना ड्राइंग मास्टरी, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है। ओके, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, मेरा एक इनिशिएटिव है मेरे तरफ से। मैंने भी इनिशिएटिव मैं बहुत लेना चाहता हूँ अपने तरफ से, कि इनिशिएटिव लूँ ताकि लोगों को साथ लेके चलूँ मैं, अपने लोगों को साथ में हम काम कर सकें, आगे चल के हम जुड़े ही रहेंगे। उसमें 17 चैप्टर हैं मैंने बताया था, लेकिन वो 17 चैप्टर के बाद भी हम जुड़े रहेंगे, है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो जो जिन्होंने भी इनिशिएटिव लिया था उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ओके, नोइंग वॉट रियली मैटर्स टू यू, पहला काम था इनिशिएटिव लेना, ठीक है, आपने कदम बढ़ा दिया। ओके, कदम तो बढ़ा दिया, अब आप ये समझो कि नोइंग वॉट रियली मैटर्स टू यू, जो आपको सच में चाहिए, जो आपको ज़रूरत है, बस वो चीज़ें सीखो, वो चीज़ें जानो। अब कोई मेरे को अगर पूछेगा कि यार वो पॉलिटिकल पार्टी कैसा कर रही है उसके बारे में कुछ बता, मैं सीधा बोलता हूँ नहीं भाई मेरे को नहीं पता, मुझे पॉलिटिक्स में उतना ना तो इंटरेस्ट है ना मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ। कोई मेरे को आगे पूछता है कि भाई ये एक ठो पर्टिकुलर गेम है, ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताओ, मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छा समझाते हो, मैंने आपको देखा है कुछ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अब इसके बारे में बताओ। मैं बोला भाई मुझे नहीं आता, सिंपल एंड स्ट्रेट। आर्ट के बारे में पूछना है, जो चीज़ें मुझे आती है आप वो पूछो, अगर वो मुझे आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, अगर मुझे नहीं आती है तो मैं सीखूंगा, है ना। अगर मुझे आप आर्ट के बारे में पूछ रहे हो, अगर मुझे आती है तो मैं बताऊंगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, अगर मुझे नहीं पता तो मैं सीखूंगा, ठीक है। छोड़ नहीं देना है कि नहीं सीखना ही नहीं है, सीखना तो पड़ेगा, सीखना ज़रूरी है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जो आपके लिए मैटर करता है वो चीज़ें उन पे ध्यान दो, ठीक है। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑयल के बारे में जानना चाहते हो, आप ड्राइंग के बारे में जानना चाहते हो, आप किसी भी मीडियम के बारे में जानना चाहते हो, पेंसिल के बारे में जानो, इरेजर के बारे में जानो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि आप ड्राइंग के बारे में या पेंटिंग के बारे में जो भी मीडियम आप छांट रहे हो, आपका वो आर्ट के अंदर है, आप आर्ट के बारे में जानना चाहते हो, आप आर्ट के बारे में और सीखना चाहते हो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आगे चल के आपको काम देगा, वो आगे चल के आपको चीज़ें आपको बढ़ने में आगे हेल्प करेगा। तो नोइंग वॉट रियली मैटर्स टू यू, इसको लिखो, जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो, ताकि वो आपको याद रहे, ठीक है। आप अपनी डायरी में जैसे आपको आपको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, ऐसा लिखो कि आपको पढ़ के लगे कि आप अपने आप को बता रहे हो, आप अपने आप को चीज़ें बोल रहे हो, कि कल को मैं वो लाइन पढ़ूँ तो मुझे लगे कि हाँ ये लाइन मुझे बोल रही है कि तू वही कर जो तुझे आगे चल के करना है। ओके, ऐसा कुछ लिखा करो ताकि मज़ा आए पढ़ने में आपको खुद को। अब आपको आज आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ वो शेयर करूँगा, मैं पूछूंगा भी कि आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते। ओके, चलो आपने लिख लिया पॉइंट, नोट डाउन कर लिया, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, जो भी चीज़ आपको कभी मौका मिले उसको करना ज़रूरी है 20% में आना है तो। ओके, और जो आपको चाहिए, जो आपको सीखना है, जो आपको जानना है, जिसमें आपको आगे बढ़ना है, उस चीज़ के बारे में पढ़ना जानना ज़रूरी है। अब आपको तीसरा पॉइंट मैं देता हूँ, इसको भी लिखना, द आर्ट ऑफ टेकिंग नेगेटिविटी, और वी कैन से द आर्ट ऑफ रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक। अब इसको आप एक बार लिखो, लिख लिया सभी ने, द आर्ट ऑफ रिसीविंग नेगेटिव फीडबैक। अब मैं बताता हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ, मैंने मेरा जो ड्राइंग मास्टरी जो कोर्स है मैंने उसको आप लोगों को दिया था पिछले बार, ठीक है, ठीक है। अब उसमें से एक पर्सन ने मुझे बोला, जब मैं, अच्छा बाय द वे आज किसको किसको व्हाट्सएप पे
मैंने भेजा था फोटो कि आज मेरा लाइव सेशन है, किसको किसको भेजा था टाइप यस, किसको किसको मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि आज लाइव सेशन अटेंड करना है, टाइप यस दोस्तों एक बार टाइप यस 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 ओके 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 ओके। और मैंने दो तीन बार भेजा, दो बार तीन बार भेजा, क्योंकि मैं चाहता था कि ये वाला जो चीज़ है ना, मैं चाहता था कि हर कोई सुने जो चीज़ मैं आज शेयर कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स वो हर कोई सुने, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आप उसको मिस करो, ये जो आज का सेशन है उसको मिस करो, मैं नहीं चाहता था। ओके, तो इसलिए मुझे लगा कि सबको भेजना चाहिए दो बार तीन बार, ताकि सबको याद रहे। तो एक पर्सन जो जिसने ड्राइंग मास्टरी में एनरोल भी किया था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला कि भाई कोर्स नहीं बिक रहा है क्या, कोर्स नहीं बिक रहा है क्या, कस्टमर चाहिए क्या आपको। वो ड्राइंग मास्टरी में एनरोल किया है उन्होंने, ओके, और उन्होंने ऐसा लिखा कि कोर्स नहीं बिक रहा है क्या, आपको कस्टमर चाहिए क्या, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा काम करोगे, मुझे लगता है कि मैं लूट गया एंड बाकियों के कोर्स 600 रुपीज़ के थे, आपके कोर्स थोड़ा सा कॉस्टली है, ऐसे लाइन्स थे। अब आप बताओ कि आप होते मेरी जगह तो आप क्या बोलते या आप क्या करते। मैं सब कुछ शेयर करूंगा आपके साथ, मुझे किसी चीज़ की कोई वो नहीं है। अब आप होते तो आप क्या लिखते, आप वो बताओ। इग्नोर, ओके, इट्स सो सैड, ओके ओके, इग्नोर देम, ओके, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, ओके। और कुछ, और कुछ आपके साथ अगर कोई ऐसा करता, सच में अगर आपके साथ मान लो ऐसा कुछ हुआ है कि आप अपना कुछ बना रहे हो, आप किसी को हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हो कि यार मैं अपनी कुछ नॉलेज है मेरे पास तो शेयर कर सकूँ ताकि और लोग सीख सकें, आप अपना 100% दे रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप ये भी चाह रहे हो कि दूसरे लोगों को भी मैं हेल्प कर सकूँ, लेकिन सामने से अगर ये रिप्लाई आता है कि यार तुम बेच रहे हो क्या, तुम कस्टमर नहीं मिल रहे क्या, तो एक बार आप बताओ। ओके, ब्लॉक, इग्नोर, और कुछ, और कुछ। गुस्सा आता है ना, हाँ, आई डोंट केयर, इग्नोर इग्नोर। लेकिन अब आप ये बताओ कि वो चीज़ें आपको लगती है, लगती यहाँ पे कितने ज़ोर से लगती, जब आप दिल से सही चाह रहे हो सामने वाले के बारे में और सामने वाला इस तरीके की बात बोले, दिल में लगता है, बहुत बुरा लगता है। वर्क हार्ड एंड प्रूव इट, नो 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 नीड टू प्रूव, किसी को आपको प्रूव नहीं करना है, जो आपको ऑलरेडी बुरा मान रहा है आप उसको प्रूव थोड़ी करोगे, है ना। लगती लगती सबको लगती, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर पता है मुझे भी लगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे भी लगा यार कि ऐसे भी लोग सोच सकते हैं क्या। ओके, तो मैंने क्या किया मैं बता रहा हूँ अब, और अब आप बताना कि मैंने ठीक किया कि गलत किया। ओके, देखो अभी ड्राइंग मास्टरी में टोटल 17 चैप्टर्स हैं, मैंने अभी ऑलरेडी 3 चैप्टर डाले, बस अभी 10 11 कितने हुए, 3 14 चैप्टर्स बचे हैं अभी, उन 14 चैप्टर को जो बहुत कुछ जिसमें आने वाला बचा है उसको आने से पहले उस पर्सन ने ये बोल दिया कि आप बेच रहे हो, आप कुछ मतलब जो भी। ओके, तो मैंने ये बोला, पहले तो मैंने सोचा, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, फिर मैंने ये सोचा कि यार थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस रिप्लाई। मैं अंदर से ये एक चीज़ को मुझे बहुत अच्छी लगी कि अच्छा हुआ आपने ये बात बोली। ऐसा इसलिए मैंने सोचा कि हर कोई जब कोई लाइफ में बहुत बड़ा बनता है आगे चल के, जब कोई आगे चल के बहुत बड़ा बनता है, तो अगर आप उनकी बातें को सुनो, आप किसी बहुत महान इंसान जब कोई स्पीच दे रहा होता है, कोई बहुत बड़े बड़े जैसे लोग होते हैं ना, उनकी बातें को सुनो, तो उन्होंने हमेशा एक बात बोली है कि अगर आपके हेटर्स हैं तो आप कुछ सही कर रहे हो, और आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। किसी ने बहुत अच्छी अच्छी लाइन बोली है, आप सबको खुश नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। और मैंने थैंक यू इसलिए फील किया, बहुत अच्छा इसलिए फील किया, क्योंकि
क्योंकि थैंक गॉड एक पर्सन जो नेगेटिविटी से भरा था वो मेरी इस कम्युनिटी से, जो मैं आगे चल के और बड़ा करूँगा, जो आगे चल के मैं आर्ट को इंडिया में, मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ मिलके एक कम्युनिटी बढ़ाएं, और उस कम्युनिटी में मैं नहीं चाहता कोई नेगेटिविटी। तो मुझे अच्छा लगा कि सामने से उस पर्सन ने बोल दिया, नाउ इट विल बी, ही विल बी आउट ऑफ दैट कम्युनिटी, बट प्यार से, है ना। देखो आर्ट ऑफ टेकिंग नेगेटिव फीडबैक। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है मैंने सुबह लिखा था आप लोगों के लिए कि मैं इस सेशन में ये टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, पर लकीली ये इंसिडेंट मेरे साथ शाम को हुआ। ओके, इसलिए मेरे पास ये एग्जांपल भी मिल गया आप लोगों को देने के लिए कि ये चीज़ें होती हैं। अगर आप आर्ट बना रहे हो, अगर आप पेंटिंग बना रहे हो, अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप बहुत सारे लोग यूट्यूब में वीडियोस बनाते हो, आप लोग अच्छे से अगर मान लो बोल नहीं पा रहे हो, आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोगों को लोग बुरा बोलेंगे, मान लिख के रख लो, लोग आपको बुरा बोलेंगे। आपको क्या लगता है मुझे यूट्यूब में बस तारीफें मिलती है? बुरे लोग भी, बुरे वर्ड्स भी मिलते हैं यार, और बुरे वर्ड्स को झेलना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपको झेलना ही पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है तो, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लेकिन अगर मान लो मैं मान लेता कि भाई मैं नहीं, मैं अपना कोर्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं उसको एक्सप्लेनेशन देता और मैं बोलता कि नहीं मैं किसी को अब से नहीं बताऊँगा, अब तो सबको यही लगेगा कि मैं ऐसा वैसा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर माइंड में मैं लेके बैठ जाता तो मैं ना तो ये सेशन कर पाता आजकल, ना मैं आगे चल के उन चीज़ों को कभी अपने लाइफ में और इम्प्लीमेंट कर सकता। देखो क्या होता है ना, अगर हम लोग आज कोई प्रॉब्लम मिली और आज ही हम लोग उसी डर को, उसी टेंशन को आज ही हम लोग हटा के काम कर देते हैं तो वो आगे चल के नहीं होता। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती, अगर मुझे कोई बोल रहा है कि भाई तू ऐसा काम कर रहा है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्योंकि ऐसा ऐसा बोला था, ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। अगर मैं आपको छुपा के रखूँ, मैं अपने मन में रखूँ कि नहीं यार सामने वाले को बताऊँगा कहीं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, कहीं नेगेटिव माइंडसेट ना बन जाए, कहीं मैं अपनी बुराइयों जो मेरे बारे में लोग बुरा बोल रहे हैं वो भी बता दूं, तो कहीं और लोग मेरे बारे में ऐसा ना सोचने लगे, ये सब सोचोगे ना तो भाई बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। ये चीज़ सीखना ज़रूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी पेंटिंग करो, जब भी ड्राइंग करो, आप यूट्यूब में आर्ट कॉन्टेंट डाल रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कि कौन कितना बुरा बोल रहा है। देखो दो टाइप के क्रिटिसिज्म होते हैं, एक होता है आपके अच्छे के लिए कि देख तूने ये जो आईज बनाई ना उसको थोड़ा सा ठीक बना, ये जो तूने ये पेंटिंग की ना उसको थोड़ा सा ठीक कर, वो सही हो जाएगी। ये होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। आपने बोला कि आपकी ड्राइंग सही नहीं बनी, ठीक करो, ये होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। आपको लेना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, उससे बढ़ना चाहिए आगे। आपको लेकिन कोई नेगेटिव बोल रहा है ज़बरदस्ती का कि आपके बारे में वो जानता नहीं है, आपके वर्क को अभी देखे हुए उसको 4 दिन हुआ नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा बात बोल रहा है जो आपको दिल में लग जाए, तो इग्नोर दैम। ओके, इग्नोर दैम मीन्स ऐसा नहीं कि नहीं ये तो मैं तो देखूंगा नहीं इसने क्या लिखा। आप उससे फेस करो कि हाँ इसने मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसे आगे और भी बोलेंगे, लेकिन मुझे अच्छे बोलने वाले की भी कमी नहीं है, पॉजिटिविटी की भी कमी नहीं है, तो फोकस ऑन दैट थिंग और आप आगे बढ़ते रहोगे। ओके, तो नेगेटिविटी आएगी, डेफिनेटली आएगी, आपके काम के बारे में बुरा बोलेंगे, आपके आप जो कंटेंट बनाओगे उसके बारे में बुरा बोलेंगे, सब चीज़ के बारे में बुरा बोलेंगे। ओके, लेकिन आपको नहीं रुकना है उस जगह में, तो ये पॉइंट आप लिख के रख लेना, और कभी भी दिल में लगे ना किसी की इस टाइप की बात दिल में लगे तो इन चीज़ों को याद रख, ये चीज़ बस ये चीज़ सोचना कि अगर मेरे को एक दिन बड़ा आर्टिस्ट बनना है ना, अगर मेरे को किसी दिन कुछ बड़ा करना है तो ये चीज़ होनी ज़रूरी थी, मेरे को गाली सुनना ज़रूरी था, है ना। अगर वो गाली सुन रहे हो मतलब आप सही रास्ते पे हो, तब समझना कि आप विनिंग कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे हो आगे। तो ये तो हो गई फीडबैक वाली बात कि लोग आपको जो ऑनलाइन बोलते हैं। अब एक तो बात है कि नेगेटिविटी को अपने लाइफ से भी हटाना है। मैंने आपको कई बार बोला है कि आप जो भी ऑनलाइन आपकी कुछ ऐसी वैसी चीज़ें जो आप शेयर कर रहा है, जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार इसको सुन के मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, या फिर इससे बात करके मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर मेरा कोई दोस्त है वो उल्टी पुल्टी बात कर रहा है, वो अच्छी बातें नहीं कर रहा है, वो ढंग की बात नहीं कर रहा है, और मेरा जो गोल है मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ इसके चक्कर में, इग्नोर देम, लीव दैट पीपल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें, आपको छोड़ना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ओके, अगर आप वो इनिशिएटिव ले रहे हो उस जगह पे कि आप अपनी लाइफ से भी नेगेटिविटी हटा रहे हो, तब आप समझना कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो।
और डेली बेसिस पे हमें सब चीज़ पे डील करना पड़ता है यार। कभी ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, लेकिन मन में टेंशन चल रहा है, उसको कैसे हटाएं? उसको हटाने के लिए लोगों को भी हटाना पड़ेगा जो हमें टेंशन देते हैं। ओके, अगर कोई फैमिली वाला जो आपको पर्सनली, आपके पेरेंट्स हैं, वो अगर टेंशन दे रहे हैं, वो ऐसी बात बोल रहे हैं, तो यार मेंटली इग्नोर करो, मेंटली। ओके, लेकिन काम पे फोकस करते रहना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो नेगेटिविटी आपको वैसे भी हटानी है अपनी लाइफ से भी, और कोई नेगेटिव बोल भी दे तो अपने दिल पे भी लगाना नहीं है उसको, ठीक है? पॉजिटिव लोग बहुत है यार, आप लोग इतने इतने लोग काफ़ी हो गया, इतने लोग, मतलब आप लोगों का इतना प्यार मिलता है ना, वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं किसी भी नेगेटिविटी को झेल सकता हूँ। ओके, क्योंकि आप लोग मेरे साइड में हो, इतना मैं समझता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। पॉजिटिव लोग हमेशा रहते हैं, और ज़्यादातर पॉजिटिव लोग ही रहते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव रहते हैं, उनको आप हटा सकते हो। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। ये चीज़ें मैं हर बार बोलता हूँ, ये चीज़ें मैं बार बार सुनता हूँ काफ़ी सक्सेसफुल लोगों से, पढ़ता हूँ और इन चीज़ों पे काम करता हूँ मैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या जानते हो? आप एक बार खुद लिखो कि वॉट इज सेल्फ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू यू। ओके, वॉट इज सेल्फ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू यू? गुलाब में कांटे भी रहते हैं, एग्जैक्ट कह अशोक। मानसी, एक्चुअली मैं सीरियस नहीं हूँ, सच बताऊँ तो अपनी रियल लाइफ में, बट जब भी मैं आर्ट कर रहा होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, तब मैं सीरियस रहता हूँ। काम के टाइम मैं सीरियस रहता हूँ, अदरवाइज मुझसे ज़्यादा नॉर्मल चिल्ड आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं ऐसा हूँ। आपको भले ही अभी बिलीव ना हो, क्योंकि अभी मैं काम पे हूँ, आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, बट रियलिटी में आई एम वेरी चिल्ड। सेल्फ इन्वेस्टमेंट, खुद पे इन्वेस्ट करना, आर्ट का आइटम्स लेना, थोड़ा बहुत ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे लोग, हाँ एग्जैक्टली, वो तो है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हो, बताओ दोस्तों। ओके 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 ओके, ज़रूर मिलेंगे, डेफिनेटली। आई एम इन्वेस्टेड इन ग्राफी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। सेल्फ इन्वेस्टमेंट, पता नहीं पता नहीं पता नहीं, बहुत लोगों का पता नहीं भी आ रहा है। देखो, जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ मुझे अपने करियर में, अपनी आर्ट की इस फील्ड में जिसमें आप काम कर रहे हो, उसमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, मुझे अपने स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेगी, तो वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को देखना, उस मौके को देखना, वहाँ पे पैसे को मत देखना। अजीब सा लगता है कई लोगों को ये सारी बातें, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। मैं डेली खुद खुद के ऊपर करता हूँ वो चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी, किस लेवल पे इसकी इम्पोर्टेंस है। ओके, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, पैशन पे इन्वेस्ट करना। ओके, देखो, इन्वेस्टमेंट हमें एक बार समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ताकि हम सेल्फ इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है जिसके कारण आप और सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। अब मान लो कि आपने कुछ चीज़ पढ़ी, ओके, आपने कुछ चीज़ जानी, तो फ्यूचर में वो पढ़ाई आपको और अर्निंग करना हो, कोई पैसे कमाने हो, और या फिर आपको कहीं और ज़्यादा अपनी ग्रोथ चाहिए, तो उन चीज़ों में हेल्प करेगी वो, तो वो इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने शूज़ खरीदें, कपड़े खरीदें, या फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ खरीदी है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी, ओके, लेकिन आपने वहाँ पे पैसे लगाए हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक तरीके का एक्सपेंस है, वो आपका खर्चा है, ठीक है, वो आपका खर्चा है। तो इन्वेस्टमेंट में और खर्चे में, ये दोनों चीज़ में आपको डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। ओके, आर्ट मटेरियल्स, बहुत लोगों का लिखना है कि आर्ट मटेरियल्स इन्वेस्टमेंट है। देखो, आर्ट मटेरियल्स इन्वेस्टमेंट नहीं है शुरू में, मटेरियल्स वही लो जो आपको ज़रूरत है। ओके, जो आपको ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? जो आप ड्राइंग बना रहे हो, जो आप पेंटिंग कर रहे हो, उसको सीखने में। इंडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके डाउट भरा पड़ा है, ये चीज़ मैंने ग्राफी में भी बताया, एग्जैक्टली, ये चीज़ मैं हर जगह बताता हूँ सूर्यांश, कि
क्योंकि मैंने देखा है कि लोग चाहते हैं हम कुछ करें, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, है ना। टाइम इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा। एग्जैक्टली, उस चीज़ पे भी मैं आ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता, इन्वेस्टमेंट पैसे प्लस टाइम का भी होता है। पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम, ओके। पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम। देखो, मैंने आपको ड्राइंग मास्टर के बताया, आपने काफ़ी लोगों ने एनरोल किया है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ड्राइंग मास्टर ली है, ओके। आप लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो ऑलरेडी। लेकिन मेरा मकसद ड्राइंग मास्टरी देना नहीं था आपको, इस चीज़ को समझो एक बार। मेरा मकसद ड्राइंग मास्टरी देना नहीं था आपको, मेरा मकसद था उस ड्राइंग मास्टरी के अंदर जो भी टेक्निक्स मैं शेयर करूँगा उसमें आप अपना टाइम दो। टाइम इन्वेस्टमेंट देना है आपको, मनी इन्वेस्टमेंट। तो पैसा लगाना छोटी सी बात है यार, बहुत लोग यहीं पर अटक जाते हैं कि यार मुझे ये चीज़ लेनी है लेकिन इसका पैसा महंगा पड़ रहा है, मैं क्यों लूँ, बस अटक गए। वो तो एक पार्ट है, पैसा देने के बाद आपका टाइम भी इन्वेस्ट होगा अभी, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। आपको पैसा, तो पैसे वाले जो बैरियर है उसको पार करके जब आपका टाइम वाला पार्ट आएगा तो उसमें आपको असली मेहनत लगेगी, ओके। तो आप ये समझना, जिन्होंने भी ड्राइंग मास्टरी ली है, जिन्होंने भी उसमें एनरोल किया है, वो सिर्फ ये मत सोचना कि मैंने इस चीज़ को एनरोल किया है, आपका असली काम चालू हुआ है आज से। जब से मैंने उसमें चैप्टर डालने चालू किए ना, आपका असली काम चालू हुआ है उस समय से, कि अब आपको असली काम करना है, अब आपको उस पर टाइम देना है। टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइम इन्वेस्टमेंट। चलो, एक चीज़ जो मैं हर बार बोलता हूँ और वो चीज़ मैं अभी बोलूँगा कि आपकी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ओके, आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। मैंने एक बार ये चीज़ डाली भी थी पोस्ट में कि आपको क्या लगता है कि आप में सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी कौन सी ऐसी बात है, ओके। ड्राइंग मास्टरी का वीडियो कब आ रहा है? आ जाएगा शिल्पी, आ जाएगा, टुडे इट विल कम। और आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ें होने वाली है, और छोटा सा मैं इसके ऊपर भी आऊँगा, ओके। ड्राइंग मास्टरी के जो लोग हैं वो रुकना, उनके उनके लिए कुछ चीज़ें हैं तो उनको भी मैं बताऊँगा, ओके। तो इन चीज़, एक चीज़ आप, और एक चीज़ को लिखना कि आपकी सबसे अच्छी बात क्या है, ओके। आपकी सबसे अच्छी बात क्या है, एक बार आप लिखो कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है। शिल्पी, ड्राइंग मास्टरी पे पैसे से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा। एग्जैक्टली, पैसा तो बहुत छोटा सा फैक्टर है, पैसे को तो मैंने ऑलरेडी बहुत कम किया हुआ है उसमें, असली टाइम आपका जाएगा उसमें, बहुत अच्छे से टाइम जाएगा उसमें, असली चीज़ें आप सीखोगे अभी। मैंने तो सिर्फ पेंटिंग के लिए जन्म लिया है, जस्ट फोकस ऑन वर्क, टेल अबाउट सेल्फ डाउट। हाँ गौरव, हम बात करेंगे इस पे सेशन, थोड़ा सा एंड में हम बात करेंगे, पहले जो चीज़ पॉइंट है ताकि मैं आपको बता दूँ, फिर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को तो पता ही है, मैं, आप लोग रुकते हो तो मैं रुक ही जाता हूँ। आप लोगों की सबसे अच्छी बात क्या है? नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख सकता हूँ, वेरी गुड। रुद्रजन, पेशेंस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों सारे लोग कमेंट जरूर करना, ओके, पार्टिसिपेटिव रहना सेशन में, ओके, ताकि आपको लगे कि हाँ आप इस जुड़े हो। रेस्पॉन्सिबल, रंजना जी ने लिखा है कि रेस्पॉन्सिबल, वेरी गुड, दैट्स ए ग्रेट पॉइंट। आर्ट्स में फ्यूचर है, एग्जैक्ट, डेफिनेटली है। इंटरेस्ट है, ओके, वेरी गुड। फोकस ऑन वर्क, गुड। मैं अपने बात से पीछे नहीं हटता, ऑसम। पेंटिंग और ड्राइंग को जब मैं करती हूँ तो मेरे लिए अच्छी बात होती है, वेरी गुड। पर उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है, ऑनेस्ट हो, वेरी गुड, दैट्स ए ऑसम पॉइंट। ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने काम में। लव योर आर्ट वर्क एंड टीचिंग मिस योर, थैंक यू सो मच रंजन। थर्ड चैप्टर में तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस है, एग्जैक्टली सुनीता, और वो एक्सरसाइजेस आपको दिखेंगी छोटी, जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जितनी छोटी दिख रही हैं उससे बहुत बड़ी हैं वो। कॉन्फिडेंट हो, गुड 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 गुड, ओके पार्थ। ड्राइंग, ड्राइंग, ओके। आपकी अच्छी बात क्या है? पेशेंस है, आप हार्ड वर्किंग हो, आप ऑनेस्ट हो, आप अपने काम में दिल लगा के काम करते हो, आपके पैशन पैशन है आपके अंदर, सारी चीज़ें आपकी अच्छी बात है। इसको लिखना, जो भी आपको लगता है ना कि ये मेरी अच्छी बात है, उसको लिखना और अपने रूम में बड़े बड़े अक्षरों में चिपका के रखना। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरी अच्छी बात क्या है, कि मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूँ अपने काम में, जो भी चीज़ मैं आपको बता भी रहा हूँ या फिर मैं, कोई मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, मैं हमेशा ऑनेस्टी के साथ बताने की कोशिश करता हूँ कि यार उनके तरफ से क्या होता है कि सर हमने आपको फीस दी,
कोई भी आपके पास सीखने आएगा तो ऐसा होता है ना उनके पेरेंट्स की तरफ से कि सर हम आपको फीस दे रहे हैं, आप अपने हमारे स्टूडेंट को सिखाओ। लेकिन मैं अपने तरफ से इतने अच्छे से देने की कोशिश करता हूँ कि वो उनका जो पेरेंट्स है, एंड बिलीव मी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना जो मेरे से आर्ट की क्लासेस लेते हैं, दे बिलीव मी लाइक एनी थिंग। वो मेरे पे बहुत बिलीव करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बिलीव मैंने अर्न किया है, कि मैंने खुद से ये चीज़ बनाई कि लोग मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। और ये सबसे सुकून देता है मेरे को जब कोई बोलता है कि नहीं सर आप आपको जितना जो चाहिए आप बोल सकते हो। आप कई लोग तो पैसे पैसे बोलते हैं कि सर ले लो आप जितने लेने, लेकिन मेरे स्टूडेंट को सिखा दो। मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैंने जितना रखा है मैं उतना ही लूँगा, कोई आपको ऐसा एक्स्ट्रा आपको मेहरबान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने काम के समय हमेशा ऑनेस्टी, काम में ऑनेस्टी, और ये चीज़ मुझे अपने बारे में अच्छी लगती है। और आप सब में एक ना एक ऐसी खूबी है जो आपको सबसे अलग बनाती है, वही आपको आगे लेके जाएगी। और वो चीज़ को आप लिख के हमेशा अपने सामने रखना, हमेशा रखना नहीं पड़ेगा, कुछ टाइम रखोगे, काम करोगे डेली बेसिस पे, आपको वो अंदर रह जाएगी कि यार इस चीज़, ये जो चीज़ मैंने रखी है ना, ये जो चीज़ मैंने अपने बारे में सोची है, इसके अगेंस्ट मैं जा ही नहीं सकता। जब मैंने बोल दिया ना अपने आप से कि मैं ऑनेस्ट हूँ, तो सामने वाला अगर ला के बोलेगा ना भाई ये ले मैं यहाँ पर रख के जा रहा हूँ, कुछ मतलब ऐसा मोमेंट भी आएगा कि सामने वाले को लगे कि नहीं मैं अपनी ऑनेस्टी को यहाँ पे तोड़ दूँ, तब भी आपको मन में रहेगी वो बात कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं गलत काम नहीं करूँगा। और वो चीज़ सुकून देती है बहुत ज़्यादा, बहुत सुकून देती है। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप समझो कि आप कितने पॉजिटिव हो एक्चुअल में। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न टू से यस। सेशन लंबा होगा, किसी को टेंशन तो नहीं है दोस्तों, किसी को टेंशन नहीं। वैसे पिछले बार मैंने देखा था कि आप लोगों के पास पेशेंस की तो कमी नहीं है, वो चीज़ तो मैं समझ सकता हूँ कि पेशेंस की कमी नहीं है। फिर भी किसी को लगे, कोई नया ज्वाइन किया है आज, किसी ने आपको लगे कि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा तो कैसे करेंगे, ऐसा कुछ, नो टेंशन। ओके, ऑसम। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना है, लर्न टू से यस। और ये इतना कमाल का चीज़ है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना जादू कर सकता है आपकी लाइफ में। और मैंने फील किया यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न टू से यस। आप खड़े हो स्टेज में, आपको स्टेज के पास कोई अपॉर्चुनिटी है, आप स्टेज में कोई आर्टिस्ट आया हुआ है या कोई बहुत बड़ी हस्ती है खड़ी है, उसने बोला कि कौन आके स्टेज में बोलेगा, दिल से क्या आता है भाई, गलत क्या बोलूँ, डर लगता है, कैसे करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, है ना, होता है। ओके, डर लगता है, जो कभी स्टेज में नहीं गया उसको डर लगता है। ओके, डर लगता है। कुछ भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि यार पता नहीं, ये तो कुछ नया ही चीज़ है, पता नहीं करूँगी नहीं करूँ, है ना, वहाँ पे यस पहले बोलो, काम बाद में करो। मेरे साथ बहुत बार मैंने ये जो, जब से मैं ये चीज़ सीखा हूँ ना, मैं चीज़ आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे सीखी और आपको बताऊंगा कि मेरे साथ कैसे हुआ। अब पहले मैं ऐसा होता था कि मैं डर रहा हूँ, पहले मैं बहुत डांस भी करता था अपनी स्कूल लाइफ में, मैंने बहुत डांस वांस भी किया है, बहुत अच्छे से मैं अपनी स्कूल लाइफ को जिया हूँ मैं, तो डरता था बहुत ज़्यादा मैं किसी भी चीज़ को करने से पहले। मुझे पूछा जाता था कि राहुल तू करेगा, मैंने बोला कि यार मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं, कभी किया नहीं है। पर अब क्या होता है ना, अब क्या होता है, हाँ मैं करूँगा, सामने वाला सुना कि हाँ तू ये करेगा बोल दिया, चले जाता है वो, अब मेरा टेंशन चालू कि हाँ तो बोल दिया है हाँ तो बोल दिया, अब करूँ कैसे, हाँ तो बोल दिया अब क्या करूँ, ये सबसे बड़ा टेंशन है। और ये टेंशन आपको आगे बढ़ाता है यार, बहुत मस्त चीज़ है ये। यस पहले बोल दो, काम अपने आप हो जाता है फिर। अब देखो, अब जब आपके लिए मैं सेशन करता हूँ ना, तो कई बार मुझे टाइम लगता है ये सोचने में कि किस तरीके से पॉइंट्स को रखूं कि आप लोगों को चीज़ें रिलेट कर सको, आप चीज़ें कुछ जान सको। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं डाल देता हूँ कि आज सेशन होगा, पहले मैं डाल देता हूँ कि कल ये चीज़ होने वाली है, फिर मुझे टेंशन होता है कि अब तो मैंने डाल दी, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, अब तो मैं बच नहीं सकता, सारे लोगों ने देख चुका है, सारे लोग रेडी हैं, सारे लोगों का एक उम्मीद रहता है कि नहीं यार इस समय कुछ हम सेशन वगैरह करने वाले हैं। अब मुझे टेंशन चालू होता है कि मैंने हाँ तो बोल दिया, अब मैं क्या करूं, फिर वो अंदर से आता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, और तब काम होता है, बिलीव मी ऐसी होती चीज़ें। जब भी आप किसी चीज़ के लिए यस बोल देते हो बिना सोचे समझे कि नहीं यार, एक बार सोचा कि स्टेज में बुला रहे हैं, मेरे लिए अच्छा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फ्यूचर के लिए अच्छा है, मुझे पता है, हाँ बोल दिया, बाकी चीज़ देखी जाएगी। स्टेज में गए नहीं बोल पाए, डर गए,
किसी ने मजाक उड़ा दिया, सामने से लोगों ने चिल्ला दिया, फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ हो जाती है। और ये चीज़ मैं बहुत बार इंप्लीमेंट करते रहता हूँ आजकल लाइफ में। मुझे एक बार कॉलेज में, मुझे याद है 2016 में कॉलेज में एक बार सिंगिंग कंपटीशन हुआ, ओके, और मैंने कभी आज तक माइक में गाया नहीं था, मैं माइक में कभी गाया नहीं था। उस समय पहली बार सर ने पूछा गाएगा, मैंने बोला नाम लिख दो आप, नाम लिख दो, ओके, मैं डर रहा था, नाम लिख दो, पहले पहले जैसे ही पूछा हाँ लिख दो, फिर जैसे जैसे बाकी लोग गाते गए मुझे डर लगते गया, मुझे और डर लगते गया कि यार सब इतना अच्छा गा, मैं तो कभी जानता ही नहीं कुछ। लेकिन जब मुझे बुलाया गया तो मैंने जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा गा ही दिया, ओके। लेकिन आज जब मैं वो चीज़ को सोचता हूँ कि यार इतने साल पहले मैंने उस चीज़ उस समय हाँ बोल दिया था, तो उस समय के बाद अब जब भी मुझे स्टेज में मौका मिलता है कि यार थोड़ा सा सिंगिंग कर लो, थोड़ा सा इस टाइप का कुछ होता है ना, तो मैं चिढ़ रहता हूँ कि हाँ आप लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। और मैं बिल्कुल ऑपोजिट था पहले, मैं पहले नहीं बोलता था, फिर सोचता था कि यार इससे अच्छा तो मैं कर देता, हाँ बोल देना चाहिए था। ऐसा होता है टाइप यस एक बार दोस्तों, ये सबके साथ हुआ होगा, ये सबके साथ हुआ होगा, है ना? ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो, सामने वाले ने पूछा करेगा ये चीज़ को, करेगा, आपने बोला नहीं नहीं हो पाएगा, फिर बाद में लगता है कि नहीं यार इससे अच्छा तो मैं ही कर देता, ये क्या किया इसने, इससे बेटर तो मैं ही कर देता। होता है ना, बहुत होता है यार, वो सबके साथ होता है, बहुत बार होता है। एग्जैक्टली, सुना तो क्या गया था, कभी और सुनाएंगे अजय, जब मिलेंगे तो सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे, होता है ना। इसलिए ऑलवेज रेडी, बी रेडी टू से येस, इसको लिख के रख लो। और मैं ये बताता हूँ कि मैंने इस चीज़ को कब पढ़ा था। डैन लॉक है एक, डैन लॉक आप जानते हो, बहुत बड़े एक बिलियनर हैं, ठीक है, बहुत बड़े एक सक्सेसफुल पर्सन है, ओके, बिजनेसमैन है। उनका एक पोस्ट था, मैंने बहुत साल पहले देखा था, लेकिन वो बात ना यहाँ फंस गई यार, ये बात यहाँ अटक गई, और ये चाहता हूँ कि आप भी इस दिमाग को अटका लो, दिमाग में ये बात। जब वो एक पोस्ट था उसमें लिखा था कि जब भी लगे कि इस चीज़ में डर लग रहा है, इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ में प्रॉब्लम है, इस चीज़ को करें कि नहीं करें, उस चीज़ को पक्का करना, उस चीज़ को तो करना ही करना, ओके। जब भी आपको लगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसमें डर लग रहा है, मुझे स्टेज में जाने से डर लग रहा है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेने से डर लग रहा है, मैं करूँ कि नहीं करूँ, उस चीज़ को तो पक्का करना, उसको तो करना ही है। ये आपको एक चीज़ मिल गई कि ये चीज़ तो मुझे करनी है यार लाइफ में, और कुछ हो ना हो ये चीज़ मुझे करनी है, बाकी जाए दुनिया देखा जाएगा जो होगा, ओके। गलत हो गया तो हो गया, वही तो बात है। अगर गलत हो गया तो, अगर प्रॉब्लम हो गई तो, ये चीज़ हमारा माइंड सोचना चालू कर देता है, हमारा माइंड सर्वाइवल के बारे में सोचता है, हमारा माइंड सेफ खेलता है। मैंने आपको पहले पॉइंट बताया, हमारा माइंड सेफ खेलता है, उसको रिस्क लेना पसंद नहीं, लेकिन जब आप रिस्क लेते हो तब आप आगे बढ़ते हो, ओके। जहाँ पे भी आपको लगे कि नहीं हो पाएगा, वहाँ पे हाँ बोलना और करना चालू कर देना, अपने आप होगा फिर सब। बिलीव, नेक्स्ट पॉइंट, नाइन्थ नंबर जो पॉइंट है हमारा, डर को भगाना है। एग्जैक्टली, डर को भगाने का एक ही तरीका है कि जो भी जहाँ डर लगे उसको कर दो, बस कैसा होगा फर्क नहीं पड़ता, लोग 2 दिन में भूल जाएंगे, कितनी बेइज्जती होगी, 2 दिन में सब भूल जाएंगे, आपको कर देना है बस, ओके, कर देना है बस। और जब ये हो जाएगा ना यार, जब वो टाइम निकल जाएगा, अब मैं जो अपने पुराने चीज़ों के बारे में सोचता हूँ ना, जो मैंने उस समय किया था, अब मुझे अच्छा लगता है। और जब मैं कर रहा था, जब मैं कर रहा था तब भी मैं यही सोच रहा था कि 4 साल बाद मुझे ये चीज़ के ऊपर हंसी आएगी, आज जो भी मैं रायता फैला रहा हूँ ना स्टेज में जो भी मैं यहाँ पे टूटा फूटा गा रहा हूँ, जिसको सुन के सब इरिटेट हो रहे हैं, वो भी मुझे मज़ा देगा, वो भी मुझे अच्छा फील करवाएगा 2 साल बाद, या 15 दिन बाद, 15 दिन में तो सब भूल ही जाते हैं आराम से, है ना? तो ये चीज़ होती है, हाँ बोलो काम करो, हाँ बोलो आगे बढ़ो, हाँ बोलो ले लो अपॉर्चुनिटी, हाँ बोलो कुछ भी डर लगे, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, ओके। जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ मेरे काम की है वहाँ हाँ बोल दो, ओके। ये नहीं कि जहाँ पे आपको, अब स्टेज में जाने से मेरे को डर लगता था, अब मुझे पता था कि स्टेज में जाने से कॉन्फिडेंस खुलेगा, कॉन्फिडेंस खुलाना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना अच्छी चीज़ है ये पता है, तो फिर हाँ बोल दिया, ओके। ये इंपॉर्टेंट है समझना, जहाँ पे भी आपको डर लगे, आपको पता है कि ये चीज़ ज़रूरी है, तो हाँ बोल दो। बहुत सिंपल लॉजिक है, लेकिन बहुत काम का चीज़ है ये, बहुत काम का चीज़ है, और आपको डेफिनेटली बहुत काम आएगा आगे चल के, ओके। नाइन्थ पॉइंट, बिलीव, बिलीव, अगर अगेन बिलीव वर्ड आ रहा है यहाँ पे, बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी देयर। आप फ्यूचर में एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप आर्ट की फील्ड में हो, आप फाइन आर्ट्स में, पेंटिंग में हो, डिज़ाइनिंग में हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आप एनिमेशन करना चाहते हो आगे चल के, सोचो, फील करो कि आप ऑलरेडी उस लेवल पे काम कर रहे हो। कैसा लगता है सोच के, कभी सोचा है ऐसा? मुझे लगता है बहुत लोगों ने सोचा होगा, कभी फील होता है
कि हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारे पास भी एक अच्छा सा स्टूडियो है, हमारा एक ईजल है, हम पेंट कर रहे हैं। जो ड्राइंग आर्टिस्ट है सोच रहा है कि मेरे पास एक स्टूडियो है, जैसा जैसा मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडियो है, मैं काम कर रहा हूँ। फील आती है ऐसी, मुझे तो सपने आते थे यार, मैं तो इतना डिप्रेस था ना एक टाइम में कि मुझे सपना आता था डेली कि मैं अपना स्टूडियो मेरे खुद का मैं काम कर रहा हूँ। और इतना अच्छा लगता है वो फील जब आता है ना, जब हम सपने में भी सोच रहे होते हैं कि हमारे पास एक दिन फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, हम आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रहे होंगे, है ना। और यहाँ पे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये सोचना ज़रूरी है, आपने जितनों ने भी यस लिखा है, आप लोगों ने बहुत सही चीज़ लिखी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो फील आनी चाहिए कि मैं उस लेवल पे काम करूँ। सर माय फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग। अब देखो इतने सारे जो भी नेगेटिव चीज़ आते हैं ना कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, लोग क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, हमेशा सोचना कि एक महान आर्टिस्ट जब काम करता है ना, उसने ये सब चीज़ें ऑलरेडी फेस की हैं, उसने फैमिली के नेगेटिविटी को, रिलेटिव्स के नेगेटिविटी को, दोस्तों के तरफ से अगर कोई स्ट्रेस था तो वो सब कुछ फील किया हुआ है, तब वो महान बना। अगर आपने, आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, तो आप उस लेवल पे पहुंच भी नहीं पाओगे यार। तो आप समझो कि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास टेंशन है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको बहुत सारी सुविधा नहीं मिल रही, तो मतलब आप ही हो जो कर सकते हो। जब मैं भी शुरू शुरू में आर्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था, अभी भी मेरे पास मेरे बहुत सपने यार, मेरे बहुत सपने। एक तो मेरा ये बहुत बड़ा एम है कि मैं आप लोगों के साथ एक जुड़ के बहुत कम्युनिटी बढ़ाऊँ इंडिया में। एक बहुत अच्छा सही है मेरा कि मैं अपने साथ कई सारे आर्टिस्टों को जोड़ूँ, पूरे वर्ल्ड जितने भी इंडिया के आर्टिस्ट हैं, खासकर वर्ल्ड में तो बाद में जाएंगे, पहले इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं, जो छोटे छोटे जगहों पर रहते हैं, जिनको कोई स्कोप नहीं मिलता, जिन्होंने कभी दूसरी जगह ट्रैवल नहीं किए, जो दूसरी जगह पर गए नहीं है, उनका जो स्कोप है ना, उनको जो सा फील होता है ना, उनको जितना बुरा लगता है ना, उनके लिए कुछ करना है यार। और मैं करूँगा उसको, आज आज की तारीख लिख लो आप, मैं करके दिखाऊँगा ये चीज़। आज मैंने मेरे आज कितना तारीख है, आज 23 अगस्त है 2020 चल रहा है। मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था करीब 1.5 साल पहले, ओके 1.5 साल पहले, आज से 5, 7, 8 साल बाद जो भी ये टाइम है, जो एक लंबा टाइम है, मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा करूँगा जिसमें आप लोग भी रहोगे, जो भी मेरे साथ जुड़ के चल रहे हो ना। अब जो मैंने ड्राइंग मास्टर दी है, या आगे चल के मैं अगर इस टाइप की ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, या आगे चल के हम फिजिकली भी मीट करेंगे, किसी इवेंट में हम मिलेंगे, तो जो भी आप मेरे से जुड़ के चल रहे हो ना, मैं हमेशा यही कहीं ना कहीं कोशिश करूँगा कि आप लोग जुड़े ही रहो। ऐसा नहीं कि आज सीखा कल छूट गया, 4 दिन का वर्कशॉप किया भूल गए, 4 दिन सीखने आए फिर भूल के चले गए। मिल के जुड़ेंगे यार, हमेशा रहेंगे साथ में, ठीक है। लेकिन टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, कंसिस्टेंट काम करेंगे, जो भी चीज़ मुझे फील होगी, जो भी चीज़ मेरे साथ होगी, जो भी चीज़ मेरे साथ अच्छी या बुरी जो भी होगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लाइव सेशन हो या कुछ भी चीज़ हो, मैं आप लोगों को डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ना सिर्फ लाइव पे बल्कि फिजिकली मीट भी करके, ओके। तो अब ये आपने समझा कि आपको फील करना है कि आप कहाँ पे हो। और एक चीज़ मैं आपके साथ ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, डेफिनेटली मैं आपसे खुद को मैं छुटवाना भी नहीं चाहता, मैं रहूँगा आप लोगों के साथ। जितने भी आप फैमिली हो ना, मैं फैमिली ऐसे नहीं बोलता यार, मैं अकेले रहता हूँ, मुझे भी टेंशन होती है, मुझे भी स्ट्रेस रहता है, मुझे भी लगता है कि यार एक टाइम था जब मैं बहुत डिप्रेस था, तो जब मुझे लगता है ना कि यार इस टाइप के लोग हैं जो मेरे जैसे फील करते हैं, जो मेरे जैसे टेंशन में रहते हैं, तो मुझे एक अपनापन से लगता है कि यार सब कोई फील कर रहे हैं वैसा, मैं अकेले नहीं था सारे टेंशन में, तो सब कोई जुड़ के कुछ ना कुछ करेंगे आगे चल के, ओके। लेकिन बस यही है कि अगर आप बोल रहे हो कि आपको एक दिन उस लेवल पे काम करना है, तो आप कंसिस्टेंटली काम करो, ओके। क्योंकि बहुत जन ऐसे भी हैं, जैसे मैंने शुरू से बताया कि बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो सोचते हैं कि हम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और उनका आर्ट छूट जाता है, उनकी जो चाहत होती है कि हम आर्ट में कुछ करें, वो छूट जाती है कहीं ना कहीं, ओके। तो ये चीज़ हमें आगे लेके चलना है और बहुत कुछ करना है, मज़ा आएगा, ओके। और मेरा तो ये भी एक गोल है कि मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगा, मैं मेरा ये भी गोल है कि जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आर्ट के शोज़ वगैरह चलते रहते हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगा, आर्ट के एग्जीबिशंस पे जाऊँगा, अलग अलग जो भी आर्टिस्ट से मैं मिलते रहता हूँ हमेशा से उनके साथ मिलूँगा, डिफरेंट सिटीज़ को विज़िट करूँगा, नए नए जगहों पर घूमूँगा, जहाँ पर भी आप रहो, ओके। जहाँ जहाँ आपका एरिया अगर पास पड़ रहा है, अगर आप आ सको तो डेफिनेटली हम मिलेंगे। मैं अगर वहाँ से लाइव सेशन कर सकूँ तो मैं वहाँ से भी करूँगा, ताकि आप डायरेक्टली वो सारी चीज़ें भी देखो,
मैं वहाँ से भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, वहाँ से भी मैं कुछ कुछ सेशंस करूँगा, एंड जो भी चीज़ें मैं कर सकूँगा मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आप भी चलो। अगर मैं दिल्ली मुंबई दोबारा गया, लॉकडाउन पहले ख़त्म हो, जब भी गया, तो आप लोगों के सामने डेफिनेटली मैं मिलूँगा। हम लोग साथ में जाएंगे, हम लोग साथ में एग्जीबिशन देखेंगे, हम लोग साथ में सभी आर्टिस्टों से मिलेंगे। आप लोगों का टेंशन निकल जाएगा कि यार आर्टिस्टों से कैसे मिला जाता है, कैसे एग्जीबिशन जाया जाता है, कैसे हम पहला अपना पहला कदम उठाएं। कुछ भी टेंशन मत लो। अगर मैं गया, अगर मैं किसी के भी सिटी में आया, तो मैं डेफिनेटली उसकी पोस्ट तो मैं सब जगह डालूंगा ही। आप मेरे को बस बताना कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, हम लोग मिल के चलेंगे, हम लोग मिल के जाएंगे, ठीक है? सब जुड़ के काम करेंगे, कोई टेंशन नहीं, हम सब जगह घूमेंगे। ओके, आपको बस अपने तरफ से इनिशिएटिव लेना है। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि जहां भी मैं जाऊं आप लोगों के साथ मिलता रहूं, आप लोगों के साथ जुड़ के चलूं, लेकिन आप अपने तरफ से इनिशिएटिव लेना मत भूलना। आपको भी अपने तरफ से कदम उठाना है कि आप भी आओ उठ के और चलो, ठीक है? दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना इनिशिएटिव लेना नहीं भूलना, साथ में चलेंगे। ओके, अब जो अगला पॉइंट है, इस चीज़ को भी लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉलेज नॉलेज नॉलेज, इसको लिखो एक बार अपनी डायरी में, लिखो इसको, लिखो एक बार, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। डेफिनेटली डेफिनेटली हम मिलेंगे। हाउ टू क्योर आर्ट ब्लॉक, इस पर भी हम बात करेंगे एंड में। आर्ट ब्लॉक, देखो प्रभाव सबको होता है। आपको लगता है कि यार मुझे आर्ट करने का मन नहीं कर रहा आज, लेकिन उसको एक ही तरह से आप हटा सकते हो कि आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ड्रॉ करते रहो। 4 दिन ड्रॉ करोगे ना ज़बरदस्ती, तो 5वें दिन अपने आप मन करने लग जाता है। इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम योर फॉर योर गाइज, आई कांट, आई एम फ्रॉम नेपाल। नो नो वरीज रॉयल, आप भी जब आओगे इंडिया या फिर हम कभी आएंगे नेपाल तो ज़रूर मिलेंगे। आप एग्रेसिव हो, एग्रेसिव एग्रेसिव तो मैं वैसे नहीं रहता हूँ, वैसे मैं जैसे मैंने बताया मैं चिल्ली रहता हूँ मैक्सिमम टाइम। एग्रेसिव मुझे तभी लगता है जब मुझे लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जब मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी थी लेकिन नहीं हो पा रहा है, तब थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन होता है, लेकिन करना है उसको, ठीक है? लव फ्रॉम राजस्थान, थैंक यू सो मच रुद्र, लव यू टू ब्रदर। ओके ओके, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, ये आपका 10th पॉइंट है जो आपको लिखना है अपनी डायरी में अच्छे से प्यार से। नॉलेज नॉलेज नॉलेज, आप अनबीटेबल होना चाहते हो? डू यू गाइज वॉन्ट टू बी अनबीटेबल? टाइप यस, टाइप यस, टाइप यस। क्या आप वैसा बनना चाहते हो कि यार कोई मुझे कुछ ना कर पाए, मुझे तो आगे बढ़ना ही है, अनबीटेबल होना है? यस 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 यस। कैसा फील हो रहा है जब लिख रहे हो ये चीज़? यस, जब यस लिख रहे हो तो कैसा फील हो रहा है? जब मैं पूछ रहा हूँ कि अनबीटेबल होना है और आप यस बोल रहे हो, कैसा फील हो रहा है? सच बताओ, कैसा फील हो रहा है? वो फीलिंग कैसी है? वो छोटी सी फीलिंग है लेकिन कैसी है वो, है ना? एनर्जेटिक है ना, मज़ा आ रहा है ना, पॉजिटिव है ना? अब आपको समझ आया कि मैं क्यों चाहता हूँ ये सब सेशंस करना अभी के टाइम में। थोड़ा सा मैं बहुत थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सेशंस कर सकूँ, लेकिन ये चीज़ मैं जानता हूँ कि आप लोग अगर किसी आर्ट के लवर से बात करोगे, जैसे आप लोग अगर अभी मुझसे बात कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, बट मुझे फील हो रहा है कि आप बात कर रहे हो, जब आप जुड़े रहते हो किसी न किसी से, तो आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो। और ये जो फीलिंग आई ना आपको अंदर से जब आपने यस लिखा, छोटी सी फीलिंग आप समझ सकते हो, क्योंकि आप आर्ट में हो तो आप ही समझ सकते हो। वो जो फीलिंग है ना, अगर वो फीलिंग को आप लगातार, डेली तो नहीं लेकिन जितनी ज़्यादा बना के रख सको, उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ फिक्स है कि होगा। और ये फीलिंग हर किसी में नहीं आती है यार, और यहीं पे सब रुक जाते हैं क्योंकि उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं रहता है। तो ऐसे टाइम में हमें खुद से भी बात करना ज़रूरी है। पहले तो नेगेटिविटी हटाओ, खुद से बात करो। ओके, खुद से बात करो कि यार मेरा जो गोल है, मुझे जो बनना था, मैंने जिसके बारे में सोचा है कि मुझे ये करना है, उसके लिए जो जो मुझे रास्ते मिले, जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़े, जो जो चीज़ मुझे करनी पड़े, मैं नो नहीं बोलूँगा, यस बोलूँगा। अब समझ आ रही सारे पॉइंट्स को रिलेट कर पा रहे हो आप?
जो जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं उसको यस बोलूँगा, मैं वहाँ पे डर के भी काम आगे अपना एक कदम बढ़ाऊँगा, मैं वहाँ पे एक कदम आगे लूँगा। और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है। टेक्निकल पार्ट जो लोग थोड़े दिन के बाद छोड़ देते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आप टेक्निकल पार्ट डालो, आप जो ट्यूटोरियल से सिर्फ वही डालो। क्यों मैं बीच बीच में थोड़े से इस टाइप के सेशंस करना चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो आप कर रहे हो ना प्रैक्टिस, 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितना आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो, उसके बाद आप कहीं ना कहीं थम जाते हो। ओके, आप कहीं ना कहीं थम जाते हो, कहीं ना कहीं रुक जाते हो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल पार्ट के ऊपर भरा है यूट्यूब, आप भरा है इंटरनेट, सारी चीज़ें भरी है। ओके, मैं भी डालूंगा क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको और आसान तरीके से बता सकूं और इजी वे में बता सकूं। ओके, सारी चीज़ें भरी हैं लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि आसान तरीके से बता सकूं। लेकिन ये चीज़ भी आप समझना, ये चीज़ भी आप समझना कि जब तक आप खुद को इस तरीके से बोलते नहीं हो कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अनबीटेबल होना है अपने डेली लाइफ में, तो फिर आप कहीं ना कहीं थम जाओगे। ओके, वो काम करते रहने के लिए जोश अपने अंदर बना के रखना ज़रूरी है। मीटिंग फ्रॉम जूम, जूम के ऊपर भी मीटिंग करेंगे आगे चल के, डेफिनेटली करेंगे। जो भी मेंबर्स रहेंगे, जो भी हमारे मेंबर्स रहेंगे, सारों के साथ एक बार जूम मीटिंग भी होगी आगे चल के, नो वरीज, सारी चीज़ें करेंगे अपन। तो नॉलेज 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 से मेरा मतलब यह है कि आपको नॉलेज गेन करते रहना है, कोई भी चीज़ से हो जो आपको काम देती हो, हर चीज़ जो आपको काम देती है उसकी नॉलेज आपको लेनी है। कोई बेकार चीज़ की नॉलेज नहीं लेनी है, कोई बेकार चीज़ में आपको उलझना नहीं है। जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो उस चीज़ की नॉलेज लेते रहनी है। क्या दो चीज़ें एक साथ करना सही है, लाइक आई एम ए टीचर एंड वॉन्ट टू बी एन आर्टिस्ट, कैन आई कैरी बोथ ऑफ देम? आराम से, बिल्कुल। और आपको करना ही चाहिए शिल्पी, आप टीचर हो आप आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छी चीज़ है वो। टीचिंग में आप सीख रहे हो कि लोगों से बात कैसे करें, लोगों को हैंडल कैसे करें, लोगों को समझाएं कैसे, वो एक स्किल है जो आप अपने आप अंदर डेवलप कर रहे हो। आर्ट में आप वो जो लोगों को सिखा के आपने कॉन्फिडेंस गेन किया, उसके उसके वजह से आप आपकी आर्ट में आप इम्प्रूवमेंट लाओगे। तो ऐसा मत समझना कि हम ये दो तीन चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आप सब कर सकते हो, पर वो चीज़ मत करना जो आपके काम की नहीं है। ओके, सिखाते हैं हम लोग, किसी को टीचिंग देते हैं, हमने कुछ कॉन्फिडेंस गेन किया, हमें समझ आया कि कैसे सिखाया जाता है, कुछ चीज़ें सीखी, अब हम किसी और को वो चीज़ें अपने दूसरे फील्ड में, अगर मान लो आप किसी को मैथ सिखा रहे हो, आपने बहुत कुछ वहाँ पे बोलना सीखा हो, कैसे रिप्रेजेंट करना चीज़ों को, कैसे आप मैथ को भी आसान तरीके से समझा पा रहे हो, वो सारी स्किल डेवलप किए, अब वो स्किल आप अपने आर्ट में लाओगे। तो इधर से उठाना है उधर डालना है, इधर से सीखना है उधर डालना है, ठीक है? तो कुछ भी ऐसा नहीं कि ये चीज़ें छोड़ दें क्या, ये चीज़ें छोड़ दें क्या। काफ़ी लोग जो स्कूल में रहते हैं पूछते हैं सर हम लोग पढ़ाई छोड़ दें क्या, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे भी आप हो उसको करो साथ में, साथ जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, उसमें अपना ध्यान लगाओ, साथ में अपने आर्ट को मत छोड़ो, ठीक है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? क्योंकि आप अगर एक चीज़ को छोड़ रहे हो, एक चीज़ में आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो हो सकता है इसमें भी आप वैसे करो, इसमें भी आपका दिल उतना आप लगा ना पाओ। जहाँ मेहनत करने की आदत जिसको पड़ती है वो हर चीज़ में मेहनत करता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस भी चीज़ में कर रहे हो आप उसको भी करो, साथ में आर्ट को भी पकड़ के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो नॉलेज 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी चीज़ों को, आपकी चीज़ों जिसमें आपको आगे बढ़ना है उसके लिए आपको जो भी नॉलेज चाहिए आपको एक्वायर करते रहना है। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक और पॉइंट, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। इसका इससे आप क्या समझते हो? फेक इट टिल यू मेक इट, एक बार लिखो इसको, एक बार अपनी डायरी में लिखना है इसको, ठीक है? एक बार लिखो सब कोई, और लिख के टाइप यस करो, एक बार लिखो उसके बाद यस टाइप करना। लिखो, फेक इट टिल यू मेक इट, डन डन, यस यस यस। सभी सभी लिख रहे हो, सभी लोग जो अभी लाइव हो देख रहे हो, जो लिख रहे हो, लिख रहे हो, फेक इट टिल यू मेक इट। ओके, अब समझो इसका मीनिंग क्या होता है। सारे सारे ने लिखा, लिखना ज़रूरी है, देखो लिखोगे तब आप वो चीज़ों एक्चुअली में अब्जॉर्ब कर पाओगे। जो चीज़ आपके पास अभी नहीं है, अगर आपके पास कोई चीज़ें नहीं हैं, मैं अच्छे से बता रहा हूँ अशोक, अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, तो उसको फेक करो, कि आपको दिखाओ दूसरों को कि वो मेरे पास है। अब ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं उसको क्लियर भी करूँगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चीटिंग करो, आपको ड्राइंग आती नहीं है लेकिन आप दूसरे को बोल रहे हो कि ये ड्राइंग ऐसी होती है, ड्राइंग वैसी होती है, ये नहीं होता इसका मतलब। फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब है
कि आप मान लो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको गलती करने से डर लग रहा है, या फिर आपको कहीं स्टेज पर जाने से मान लो डर लग रहा है, आपको किसी आर्टिस्ट से बात करने में डर लग रहा है, तो आप दिखाओ नहीं कि आप डर रहे हो। आप अंदर से डर रहे हो, लेकिन बाहर से आप ऐसे बात करो कि आप नॉर्मल हो, आप अच्छे से बात कर पा रहे हो, और ये चीज़ें जब आप करते हो तो उसकी आदत पड़ जाती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम किसी से बात करते हैं यार, हमें डर लग रहा होता है कि कैसे बात करें, क्या बोलें, क्या करें, लेकिन अगर आप उस समय सोचोगे कि नहीं मैं कर लूँगा बात, मैं मेरे लिए आसान है, मैं कर सकता हूँ, तो फिर कुछ टाइम करते 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 ना आप वैसे ही आपकी आदत बन जाएगी कि आप वैसे ही कर सकते हो। तो फेक इट टिल यू मेक इट। कोई चीज़ अगर आपको डर लग रही है, कोई चीज़ आपको घबराहट हो रही है, कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है, आज आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आज आपको डर लगता है चार आदमी के बीच में बैठ के ड्राइंग बनाने से, लेकिन आप करो उसको, ये सोचिए कि मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये है कि आपको अपनी चीज़ों को जो आपको लगती है कि ये चीज़ होनी चाहिए, आप उसको शो कर रहे हो, ऐसे मुझे डर लग रहा है बात करने में, लेकिन मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नॉर्मल बात कर सकूँ। इससे क्या होगा, आगे चल के वो फील बैठ जाएगी अंदर कि हम कर सकते हैं। ओके, फेक इट टिल यू मेक इट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा एक चीज़ मैं और यहाँ पे पूछ लेता हूँ, कब आखिरी बार आपने बहुत मेहनत की थी, मतलब आपका दिन में आपने 10-15 घंटे काम कर दिए थे लगातार लगातार, या फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके, जैसा भी आपने बहुत काम किया दिन में, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आखिरी बार कब हुआ था, आखिरी बार कब हुआ था बताओ, कल, कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले, लास्ट वीक, नेवर? ओके, सभी बताओ एक बार, सभी बताओ। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत काम किया, नहीं यार सुबह से लगे हो काम पे, एग्जाम टाइम में? ओके, अब उस एग्जाम को कितना टाइम हो गया, कॉलेज एग्जाम्स में? ओके ओके, बहुत मेहनत की आपने दिन भर, जो चीज़ आपको करनी थी उसके ऊपर मेहनत की, आपको भले ही पढ़ना था, एग्जाम देना था, जो भी करना था उसके लिए आपने दिन लगा दिया पूरा, हुआ है, होता है आर्ट कंपटीशन के दिन? ओके, बिफोर लॉकडाउन इन एग्जाम? ओके, 6 ईयर्स हो गए, काफ़ी टाइम हो गया आपको तो, साबा। और कोई, बाकी लोग कब हुआ था बताओ बताओ बताओ, लिखो लिखो लिखो। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, आपको तो पूरा अच्छे से याद भी आया है आरुष, फर्स्ट कॉम्पोजिशन वर्क पे। ओके, अब ये बताओ, ओके, 3 जुलाई, 2 वीक पहले, 10, 19 अगस्त को, लास्ट वेडनेसडे, खुद की मोनालिसा के पेंटिंग को, ओके, जब अपने पेंटिंग बनाई थी उस वक्त, ओके, जनवरी 1990, ओके, डेली होता है, रोज़ होता है भाई, आर्किटेक्ट हूँ, ऑसम। मुझे तो रोज़ करना पड़ता है, कभी नहीं। ओके ओके, चलो आपके काफ़ी सारे आ गए। 1 महीने पहले कमीशन वर्क के लिए, अब ये बताओ, जब आपने वो दिन याद करो जब आपने बहुत मेहनत किया था, 3 रात लगा के उस काम को किया। ओके सर, मेरे घर वाले बोलते हैं कि 80% स्टडी और 20% आर्ट, और मैं उसका उल्टा करता हूँ, तो फोर्स करते हैं स्टडी के लिए। देखो अभी अगर स्कूल में हो आप तो स्टडी करते रहो, स्टडी में ध्यान दो, ओके, लेकिन जब आप सीरियस हो जाओगे, थोड़े से बड़े हो जाओगे, तब आप डेफिनेटली आर्ट के बारे, आर्ट की स्टडी अलग होती है, तो उसको भी आप पढ़ोगे, उसमें आगे बढ़ोगे। ओके ओके, तो काफ़ियों का अलग अलग रिप्लाई था, 1 महीने पहले, इतने दिन, इतने तारीख को। ओके, जब आपने उस दिन को याद करो, उस दिन को याद करो जिसके, रॉबिन बोल रहे हैं कि रोज़ होता है, इट्स ए वेरी गुड थिंग रॉबिन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जब भी आप पूरे दिन भर मेहनत करते हो, जब भी आप दिन भर काम करते हो, तो रात को नींद कैसी आती है, कैसा लगता है रात को जब आप सोने जाते हो बिस्तर पे, यार बहुत मेहनत की आज, थक गए हो काम कर करके, शरीर दुख रहा है, कैसा लगता है? शांति लगती है, एक सुकून सा लगता है, एक मज़ा सा आ जाता है ना, सुकून भारी है। ओके, मस्त वाली नींद आती है जी भाई, आनंद आ जाता है, सौगात बोल रहे हैं, आनंद आ जाता है, रिलैक्स, हैप्पी, ओके, मज़ा आ जाता है ना, सुकून भरी नींद, सुकून की नींद। ओके, सुबह उठ ही नहीं पाते, एग्ज़ाम मत मिस कर देना ब्रदर।
लिखो 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 अब आपके पास दो केस है, मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, मान लो कि आपको एक मौका मिला कि आप घूमो, दोस्तों से बात करो, पार्टी करो, जो मन में आए करो, रिलैक्स करना है रिलैक्स करो, जो काम करना है करो, जैसा करना है करो, कोई टेंशन नहीं है, सब रिलैक्स चल रहा है। टाइम लिमिट, टाइम लिमिट। ओके, मान लो दो ऑप्शन मैंने बोल रहा था, मैं दो ऑप्शन है, ओके, घूम रहे हो, पार्टी कर रहे हो, जो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई टेंशन नहीं दे रहा, सब रिलैक्स है, पार्टी कर रहे हो, आपके पास टेंशन है, आप काम कर रहे हो, आपको फोर्सफुली हो या बहुत टेंशन हो, जो भी है, आपको काम करते रहना पड़ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आप छांटना चाहोगे, कौन सा ऑप्शन आप छांटना चाहोगे? सम्राट, या एग्जैक्ट, या आई विल अपलोड दिस, सम्राट, आई विल अपलोड दिस, आप लोग शेयर भी ज़रूर कर देना, आई होप कि बाकियों को भी कुछ चीज़ें सीखने को मिले, सुकून मिलता है। ओके, तो किन चीज़ों को आप छांटना चाहोगे, जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, टेंशन में काम कर रहे हो वो, या फिर घूम रहे हो, फिर रहे हो, आराम कर रहे हो वो, सेकेंड ऑप्शन, एग्जैक्टली, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ओके, पार्टी वाला ऑप्शन भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, पार्टी कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। ओके ओके, देखो अगर आप अच्छी नींद चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको सुकून भरी नींद मिले, और उसके लिए आपको दिन भर मेहनत करना पड़ रहा है अपने काम के लिए, तो आप डेफिनेटली वो काम आपको करना चाहिए। ओके, आप रिलैक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज टेंशन, आप टेंशन फ्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ भी जाननी पड़ेगी कि जो चीज़ मैं आज दे रहा हूँ, जिसके कारण मुझे 4 दिन बाद आपको फील होगा कि नहीं यार वो दिन पूरा बर्बाद चले गया था, जिस दिन आपको ये फील होने लग जाएगा ना कि आज का दिन मैंने कुछ किया नहीं, आज के दिन मैंने मेरा अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुआ, आज का दिन मैंने मेहनत नहीं की है, उस दिन आप अपना असली जो जर्नी है ना वो स्टार्ट करोगे यार, आपका असली जर्नी शुरू होगा उस समय, जब आपको डर लगने लगेगा कि मेरा दिन बर्बाद ना हो, जब आपको टेंशन हुई कि नहीं यार आज का दिन में कुछ तो कर ही रहना है, थोड़ा थोड़ा भले ही कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव तो करना ही है, आज के दिन, आज का दिन गिन के रखना है मेरे को अपनी लाइफ का, ठीक है, तब उस दिन आप एक्चुअल में आगे बढ़ोगे, और ये चीज़ आपको अंदर से जब आएगी तब आपको समझ आएगा कि अब आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आज आप पार्टी करके जो आप दिन में खुश हो भले ही जितना भी, आपको 1 साल बाद 1.5 साल बाद फील होगा कि मैंने बहुत टाइम मेरा गया, मुझे वो चीज़ टेंशन जो मेरा दिन का रूटीन था उसको पहले ठीक कर लेना चाहिए था, ताकि अब मेरा दिन बर्बाद ना जाता, मेरा उतना जो टाइम था वो बर्बाद नहीं जाता, क्योंकि टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेंशन हो रहा है, टेंशन होना चाहिए, थोड़ा सा काम के प्रति सीरियसनेस लो, थोड़ा सा डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एफर्ट डालते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो डेली बेसिस पे अपने काम को लो, डेली बेसिस पे हर दिन कुछ करो ऐसा जो आपको आगे चल के काम दे। ओके, कोई चीज़ ऐसी करो डेली बेसिस पे जो आगे चल के आपको काम दे। ओके, तो ये 11 पॉइंट्स हमने कवर किए। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं जो जो पॉइंट आपका क्वेश्चन है कि क्या सक्सेसफुल होना, क्या किसी भी फील्ड में जो आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें आगे बढ़ना, क्या ये, अगर मैं खुद से भी पूछ रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भी बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन गया हूँ, मैं भी छोटा सा आदमी हूँ, ठीक है, क्या किसी चीज़ में आगे बढ़ना आसान है या डिफ़िकल्ट है, आसान है या डिफ़िकल्ट है, किसी चीज़ में भी आगे बढ़ना, किसी चीज़ को अचीव कर लेना, जो भी आपके ड्रीम्स थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, इसको इसमें करना आसान है या डिफ़िकल्ट है? इफ़ इट इज़ ईजी, राइट ईजी, इफ इट इज़ नॉट ईजी, राइट डिफ़िकल्ट। ओके, आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। ओके, हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, आसान है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, वो सारी चीज़ें ज़रूरी समझते हैं हम कि प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेकिन क्या आप उस चीज़ को डेली में लाते हो कि सिर्फ आप बोल रहे हो, एक बार सोचो उसको, जो भी चीज़ आप बोल रहे हो कि प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, डेली बेसिस पे हार्डवर्क करना ज़रूरी है, वो बोल रहे हो कि करते हो ऐसा, डेली बेसिस को काउंट करते हो, अपना हर दिन गिनते हो कि आज मेरा एक दिन गया, मेरा एक दिन गया, मेरा एक दिन गया, ऐसा फील होता है कभी?
बहुतों ने लिखा हार्ड, बहुतों कुछ ने लिखा इजी है। देखो एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट नहीं है, चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं हैं, हम डिफिकल्ट बना दिए हैं उसको, डिफिकल्ट हम बना रहे हैं चीज़ों को। हम 500 लोगों की बात सुनते हैं, हम 50 लोगों से 50 तरीके के व्यूज़ मांगते हैं, जिसने कुछ नहीं किया इस फील्ड में उनसे भी पूछ लेते हैं, 100 लोगों से पूछते हैं ज़बरदस्ती का, जब मतलब नहीं है। आपको पता है कि इस फील्ड में आपको काम करना है बस, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लानी है, आपको पता है कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है, आपको पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, सब पता है, फिर भी हम डिफ़िकल्ट बना देते हैं जब हम दूसरों से सलाह लेते हैं, जब अपने अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ नहीं रहता हमें, जब ये सारी चीज़ें हम ले आते हैं अपने माइंड में, जब हम खुद पे बिलीव नहीं करते, हम सोचते हैं कि इसमें स्कोप है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जब हम लाते रहते हैं तब हम इन चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, तब लगता है कि यार डिफ़िकल्ट है यार, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पता है ये चीज़ें होती है। और पता है आप लोगों में से बहुत लोग अभी इस बात से भी रिलेट करोगे, इस बात को भी समझोगे कि आप लोगों ने पहले बहुत बड़े सपने देखे थे, आपने सोचा था कि इस आर्टिस्ट जैसा बनना है मुझे, इसके जैसा बड़ा आर्टिस्ट बनना है, ये कोई बहुत बड़ा मास्टर है, ओल्ड मास्टर है, उसके जैसा बनना है ना, ऐसा फील था एक दिन आपके मन में, आपने कभी ना कभी ये सोचा था, जब भी आप आर्ट की फील्ड में आए हो आपने ये सोचा तो ज़रूर था कि मुझे बहुत एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। अब अच्छा आर्टिस्ट मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत शोहरत दौलत चाहिए, वो बाय प्रोडक्ट है, वो चीज़ें अपने आप आती हैं। मुझे एक अपना खुद का एक वर्ल्ड बनाना है, खुद की एक स्टूडियो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पर मैं कहीं एक लेवल पे काम कर सकूँ, जहाँ मेरे इस वर्क में ये बात हो कि लोग उसको देखें, लोग उसको वो प्यार दें, है ना, वो सेटिस्फैक्शन रहे मेरी लाइफ में। एक टाइम था वो चीज़ जब हम ये चीज़ सेट करते थे, एक टाइम था जब हम इसको सोचते थे, लेकिन टाइम के साथ धीरे 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 हमारे सपने छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यार इतना भी मिल जाए तो काफ़ी है, नहीं यार यही हो जाए बस, बस इतना और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही हो जाए। हमारे सपने फिर छोटे होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और फिर हम एक जगह, एक ऐसा जगह आता है जहाँ हमारा ड्रीम ये है, हमने इसको मैच कर लिया, हमारा काम हो गया, अब हम कुछ नहीं करना चाहते, हम अब नया कुछ रिस्क लेना नहीं चाहते, हम कुछ नए स्टेप नहीं लेना चाहते। होता है ऐसे, होता है ऐसे। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सपनों को बहुत बड़ा रखो, सपनों को बड़ा रखो। अब आपको बताऊंगा, मैं आपको कईयों को लगेगा कि यार ये राहुल सिर्फ बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, खुद पता नहीं कुछ करता है कि नहीं करता है, ऐसा भी होता होगा कईयों के मन में, आई रेस्पेक्ट दैट, आपके मन में ये चीज़ आती होगी, और ये कोई बुरी बात नहीं है। हम भी किसी को सुनते हैं, कोई बोलता है कि यार आसान है, तो हमें लगता है कि पता नहीं इसके लिए आसान होता होगा, हमारे लिए तो नहीं है। ऐसा होता है ना। देखो मैं ये चीज़ अपने अंदर लाता हूँ ना, तभी मैं बोलता हूँ, मैं जो भी पॉइंट्स बोलता हूँ ना, मैं करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैंने किया, तभी मैं बताता हूँ, तभी मैं पूरे दिल से बता पाता हूँ कि मैंने ऐसा किया, मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए ये चीज़ें काम की, जो सक्सेसफुल लोगों ने चीज़ें मुझे बताई थी, मैंने उनको माना, मैंने किया, हुआ, मैंने बताया। तो ये चीज़ होती है ना। ऐसा होता है कि हम सुनते हैं, हमें लगता है कि यार बड़ा बड़ा बात बोल रहा है, बस करता है कि नहीं करता है पता नहीं। मैं शेयर करूँगा एक इंसिडेंट अभी, ओके। देखो ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी, कि आपको अपने अंदर वो बात रखनी पड़ेगी कि मेरे सपने जो है ना वो छोटे ना हों, क्योंकि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने डेली रूटीन को सेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोने से पहले सोचता नहीं हूँ कि मेरा दिन अच्छा गया कि बेकार गया, ये सोचता नहीं हूँ। तब आप अगर ये सारी चीज़ें करते हो, आपको पार्टी में मज़ा आ रहा है, घूमने में आप रिलैक्स फील कर रहे हो, मज़ा कर रहे हो, टेंशन फ्री हो के आराम से सब कर रहे हो, अपने वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी नॉलेज को नहीं इंप्रूव कर रहे हो, अपने अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप की सेल्फ लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तब आप बोलोगे कि नहीं यार ये सपना बड़ा है बहुत ज़्यादा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आप गलत कर रहे हो यार, आप ट्राई नहीं कर रहे हो उसके पास पहुँचने के लिए, उसको क्यों नीचे ला रहे हो, उसको वहीं रहने दो, वो जहाँ है वहीं ठीक है, वो अपना सपना क्यों छोटा कर रहे हो आप ऑलरेडी उस 20% की कम्युनिटी में आ गए हो, जब आपने डिसीजन लिया कि मैं ये काम करूँगा, आप 20% में आ गए, अब आपका टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको टाइम देना है, आप डेफिनेटली ऊपर पहुँचोगे, आपके ड्रीम के पास पहुँचोगे, इतना ही आसान थोड़ी होता है यार कुछ बड़ा कर लेना, है ना। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने सपने को छोटा मत करो यार, जितना भी बुरा लगे, जितना भी आपको लगे कि नहीं नहीं हो पाएगा, आपका जो सपना था ना पहले
बचपन में सोचा था ना, कभी आर्ट में घुसते समय सोचा था ना कि बहुत कुछ करना है, उसको रखो वहीं पे और उसके हिसाब से अब खुद को चलाओ, अपने हिसाब से अपने सपनों को नीचे मत करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये 12 जो पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, आपको डेली बेसिस पे इसका ध्यान देना है। ओके ओके, और आज का सेशन हम ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, मुझे बस आपको बताना था कि ये चीज़ें आपको करनी है। चलो अब मैं कुछ अपने बारे में भी बता देता हूँ कि क्यों मैं ये चीज़ें बोला आपको। सर सेशन बड़ा नहीं हो गया? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? आई हैव रिक्वेस्ट। ओके, आप लोगों के कोई डाउट्स है तो मैं उसको भी अभी क्लियर करूँगा। मैं और रुकूँगा थोड़ी देर आप लोगों के साथ, ज़्यादा मैं चीज़ें, अगर किसी को डाउट है तो मैं वो भी पूछ, मैं क्लियर करूँगा। देखो, जब मैंने ड्राइंग मास्टर के बारे में बताया, एक बार मुझे सच सच बताना, मैं किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलने नहीं बोल रहा हूँ, किसी को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ मेरी तारीफ कर दो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा। जिसने जिसने भी पिछले सेशन में ड्राइंग मास्टरी में एनरोल किया था, जिसने जिसने भी एनरोल किया था, डर लगा था करें कि नहीं करें? लगा था? एनीबडी? यस यस, जो काफ़ी लोग नए हैं मेरे ख्याल से, जो लोग ड्राइंग मास्टरी के मेंबर्स हैं, उनको काफ़ी डर लगा होगा, काफ़ियों को नहीं भी लगा होगा, लेकिन बहुतों को लगता है, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। ओके, तो अब एक बार बताओ कि आप जो चीज़ अभी जान रहे हो, अभी 3 चैप्टर्स आए हैं, चौथा चैप्टर जो है वो ग्रीड्स के ऊपर है, वो आज आएगा, आज आपको लाइव हो जाएगा वो चैप्टर, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड कर ली हैं, चौथा चैप्टर आपको आज मिलेगा। उसमें मैंने ग्रीड कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ग्रिड्स के क्या लेवल्स होते हैं, कि ग्रिड्स की छोटी चीज़ें क्या होती हैं, उसके बाद कौन से ग्रिड्स होते हैं, उसके बाद कौन से ग्रिड्स होते हैं, वो लाइव ग्रिड क्या होता है, जब हम लाइव ड्राइंग पे ग्रिड काम करती है वो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें उस ग्रिड्स में आप सीखोगे आज। ठीक है, तो जिन्होंने भी एनरोल किया हुआ है ना, मुझे बहुत एक चीज़ अच्छी लगती है कि आप लोगों को मैं बहुत कुछ आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और जिन्होंने एनरोल नहीं किया है, इट्स ए रिक्वेस्ट कि आप करो। मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल कि आप सिर्फ ये सोचो कि ये कोर्स है यार, इसमें घुस रहे हैं, पता नहीं ठीक है कि नहीं है। आप उसकी चीज़ों को समझना, जानना, और उसके बाद समझना कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। हितेश सेज, मैंने आप में इन्वेस्ट किया है सर, यू आर प्योर हार्टेड पर्सन, थैंक यू सो मच हितेश। आई ऑलवेज ट्राई टू सेव फ्रॉम माई हार्ट, जो मैं फील करता हूँ मैं बोल देता हूँ यार। मैं आपको लाइव पूछ रहा हूँ कि जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने लिया है ना, जो जो जिन्होंने भी ड्राइंग मास्टरी ली है, उनको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता नहीं काम करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने ऐसी ऐसी उसमें शेयर की हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, एंड दैट वर्थ मोर देन एनीथिंग। आप लोगों को आगे भी पता चलेगा, और आगे जो जो चीज़ें आप सीखोगे उस पर भी पता चलेगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो भी पता चलेगा, आपको पता चलेगा बहुत कुछ। अभी शुभम बोल रहे हैं कि भूल जाते हो पानी पीना। ओके शुभम, थैंक यू। ओके, तो जो भी ड्राइंग मास्टरी में जिन्होंने एनरोल नहीं किया है वो डेफिनेटली करो। आपको लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ बार बार इसमें एनरोल करने, मेरा एक ही मकसद सिंपल सा है कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनो, ताकि आप अपनी ड्राइंग को एक लेवल पे लाओ, फिर चल के हम बहुत कुछ चीज़ें आगे भी कर सकें, है ना। थैंक यू सो मच शुभम, मुझे याद दिलाते रहने के लिए, है ना। अब ये चीज़ समझो कि किसी को ऐसा लगता है कि ये छोटा सा कोर्स है, ये मेरी लाइफ कैसे बदल सकता है, अगर किसी को भी लगता है तो टाइप यस, झूठ नहीं बोलना, अगर लगता है तो हाँ लिखना। किसी को लगता है ऐसे कि ये आपका छोटा सा जो कोर्स है वो मेरी लाइफ कैसे बदल सकता है, प्लीज़ राइट यस, अगर आपको फील होता है तो प्लीज़। सर क्या अब हो जाएगा? आप एनरोल कर सकते हो, जो भी है एनरोल कर सकते हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप जाना और मुझे मैसेज करना कि अगर आपको एनरोल करना है तो, मैं आपको उसका प्रोसीजर बता दूंगा, सारी चीज़ें डिटेल में समझा भी दूंगा कि आप एनरोल कैसे कर सकते हो, और मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ, और मैं क्यों बोलता हूँ कि मैं सिर्फ बड़ा बड़ा बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली में करता भी हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी रुको, मैं भी रुका हूँ आपके साथ। किसी को भी लगता है कि ये कोर्स आपके लिए काम नहीं करेगा,
किसी को भी लगता है कि ये कोर्स आपके लिए काम नहीं करेगा, अगर ये कोर्स आपके लिए आपको लगता है कि काम नहीं करेगा तो टाइप यस, यस लिखो, यस लिखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी तारीफ करो या मेरे बारे में अच्छा लिखो। आपको लगता है कि नहीं राहुल, तुम्हारा जो कोर्स है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ हम उसमें सीख सकेंगे और हमें नहीं लगता ये चीज़, तो डायरेक्ट लिखो नहीं लगता, लिखो लिखो, मैं चाहता हूँ लिखो कि मैं आपको कुछ समझा भी सकूँ। वेयर टू मैसेज एंड फीस, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेज सकते हो कि आपको एनरोल करना है, और उसके बाद फिर मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा। द अमाउंट इज़ 1200 रुपीज़ फॉर 17 चैप्टर्स, और जो चीज़ें आगे चल के कुछ उसमें कम भी हो रही हैं, 17 चैप्टर्स 1200 रुपीज़, और वो लाइफ टाइम एक्सेस है जो आपके पास हमेशा रहेगा। मैं हमेशा टच में रहूँगा दोस्त, हमेशा रहूँगा। नहीं एक कभी किसी को भी लगा कि किसी के यस आ रहे हैं किसी के नो आ रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जा रहा है, चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। एक चीज़ समझते हैं, यस थैंक यू सो मच जिसने भी यस लिखा है। अगर आपको लगता है कि मेरा कोर्स आपके काम नहीं आएगा, या फिर ये छोटा सा कोर्स आपकी लाइफ कैसे बदल सकता है, आपको कैसे इम्प्रूव करवा सकता है, ऐसा लगता है और लगना भी चाहिए क्योंकि आप नए हो, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत नया हूँ, आपके लिए कोई नया पर्सन हूँ मैं आपके लिए, कईयों के लिए, ओके। तो देखो आपके पास एक क्रिकेट बैट है, ओके, समझना एक बार इस चीज़ को, आपके पास क्रिकेट बैट है, ओके, क्रिकेट बैट है आपके पास। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं सारी चीज़ें इस सेशन के बाद आपको बता दूंगा, ओके। आपके पास एक क्रिकेट बैट है, आपको मैं वो क्रिकेट बैट दूं तो आप क्या करोगे उससे? कई लोग क्रिकेट खेलेंगे, कई लोग कपड़े धोने लग जाएंगे, कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे, किसी को पीटने लग गए आप, है ना, कुछ भी करोगे उस क्रिकेट बैट से, खेलेंगे, ओके। मोनू सिंह वो कोर्स आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना इस सेशन के बाद, मैं आपको उसकी डिटेल्स बता दूंगा कि आप कैसे एनरोल कर सकते हो, एंड यू कैन इजीली एनरोल टुडे, ओके ओके। देखो क्रिकेट बैट मैंने आपको दिया, आप कुछ भी करो उसके साथ, खेलो, किसी को पीटो, कुछ भी करो। अगर वही बैट महेंद्र सिंह धोनी को दे दी जाए तो वो क्या करेंगे? दैट मैन कैन क्रिएट हिस्ट्री। अगर वो बैट सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, किसी भी क्रिकेट प्लेयर को जो बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, अगर उनको दे दिया जाए तो वो जादू कर सकते हैं, वो कुछ कमाल कर सकते हैं, है ना, कुछ ऐसा कर सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, वो सिंपल सा बैट। तो हर एक चीज़, अगर आपके पास पियानो है, आपको गिटार बजाने का शौक़ है, आप कुछ भी करते हो, आपके पास पेंटिंग के ब्रश हैं, आपके पास कलर्स हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत सस्ते क्वालिटी के हैं, एक बार वो ब्रश को उठाओ और किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट के हाथ में दे के देखो, वो मास्टरपीस नहीं बना देगा तो बोलना। चीज़ वही है, आदमी बदला और उस आदमी ने उस चीज़ के साथ कुछ जादू सा कर दिया, है ना। जो भी चीज़ आपके पास है वो चीज़ आप कैसा इस्तेमाल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब जो भी ये ग्राफिक का कोर्स है, मैं उसमें इंटरनेशनल आर्टिस्टों ने जो सिखाया है वो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेक्निक्स होती हैं। अब दो तरीके के लोग हो सकते हैं, एक को लगेगा कि यार ये सिंपल है, ये तो ऐसे ही होता है, और एक तरीके का वो आदमी होगा जो डेली बेसिस पे करेगा और 6 महीने बाद मैं उससे पूछूंगा कि भाई तू बता तेरे को कैसा फील हुआ आज, तू बता तू क्या क्या सीखा। कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो चीज़ काम करती है, वो टेक्निक जो मैंने उस चैप्टर्स में डाले हैं ना वो काम करते हैं। आपको समझना है कि आप उस पर कितना जान दिखा सकते हो अपना, वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ देखा यार ये तो सिंपल सा है, वो टेक्निक्स इंडिया में अभी तक आई नहीं है, उसके ऊपर बुक्स हैं, वीडियोस बने नहीं हैं, समझो अगर आप उस चीज़ को सीखना चालू कर रहे हो तो कितना इफ़ेक्टिव है उन चीज़ों को सीखना। जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, प्रैक्टिस चालू नहीं की है, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस चालू कर दो अच्छे से, ओके।
प्रैक्टिस जितनी अच्छे से उसकी चालू करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है यार। वो टेक्निक्स के बारे में बोल नहीं सकता कि वो टेक्निक्स जो मैंने शेयर की है ना, अगर वो मुझे पता होती ना 5 साल पहले, तो मैं कई साल पहले बहुत अच्छा ड्राइंग कर चुका होता। बहुत टेंशन के बाद मुझे वो सब समझ आया कि ऐसा चीज़ भी होता है। जब इंटरनेट में वो सारी चीज़ें आने लगी, तब मुझे समझ आया कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ऐसे भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जो चीज़ों को बताते हैं। ओके, और वो चीज़ें इतनी कॉस्टली पड़ी मुझे, लेकिन मुझे लगा कि इन चीज़ों को मैं सबको दूँ इंडिया में। ओके, मेरा कभी भी मकसद नहीं था कि यार कुछ सेल करना है, कैसे समझाऊँ मैं। मेरा यही मकसद है कि आप वो स्ट्रॉन्ग जो एक्सरसाइज है अपनी ड्राइंग की, फाउंडेशन जो है उसको बढ़ाओ यार। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड आज के चैप्टर में आएगा। आज जिसने भी ड्राइंग मास्टरी ले रखी है उनको आज ग्रिड का चैप्टर मिलेगा। और किसी ने मुझे ये बोला कि सर बहुत लेट हो रहा है क्या, आपका कोर्स लेट लेट में क्यों आ रहा है? देखो, मैंने आपको पिछले सेशन में बोला था कि 40 मिनट का एक चैप्टर होगा, एक चैप्टर 40 मिनट का होगा। पिछले बार बताया था मैंने, काफ़ी को याद होगा, 40 मिनट का एक चैप्टर होगा। 17 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर 40 मिनट का होगा, मैंने ये बोला था पिछले बार। याद है आपको? किसी को याद होगा शायद। ओके, लेकिन मैंने सोचा है कि उस 40 मिनट में मैं सब कुछ नहीं बता सकता, मुझे और लंबा करना है कोर्स को। मैं अब एक घंटे का, डेढ़ घंटे का, जितना लंबा वो चैप्टर बनेगा, जो जो चीज़ होनी चाहिए सीखने की, आपको जो ज़रूरत है, सब चीज़ घुसाऊँगा मैं उसमें। ओके, 40 मिनट में अगर काम नहीं बन रहा तो मैं एक घंटे का घुसाऊँगा। एक घंटा में नहीं समझ पाओगे, डेढ़ घंटे का रखूँगा। डेढ़ घंटा में नहीं समझ पाओगे, दो घंटे का रखूँगा। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो भी रिपीट करो। ओके, मैं अभी ड्राइंग कोर्स की जो बात कर रहा हूँ, आर्टिस्ट कुंदन, वो चीज़ें, उनकी डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप उसमें जाओ, आप बता देना मुझे, आप एनरोल कर सकते हो आज। ओके, फीस से बहुत ज़्यादा डेफिनेटली होगा वो, क्योंकि फीस इज़ नॉट जो मैंने सोची थी। मैं फीस को तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये फीस है। जो मेरे पास सीखने आते हैं उनकी 1000 रुपीज़ फ़ीस मैं लेता हूँ, मैं आपको स्ट्रेट बोल रहा हूँ, वो भी महीने की नहीं, हफ्ते, वीकली ऐसे क्लासेस लेता हूँ मैं, और अराउंड 1000-1200 ऐसी मेरी फीस होती है पर पर्सन। ओके, और वो साल भर में जो सीखते हैं ना, साल भर में कितना हो गया, 1000, महीने का 2000, 25,000, 30,000 की जो चीज़ें मैं क्लास में देता हूँ, प्लस जो इंटरनेशनल आर्टिस्टों से जो मैंने पे करके सीखा है, वो सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में सिर्फ 1200 में रखी है। ओनली मेरा वन मोटिव कि आप लोग ये चीज़ों को समझो यार। ओके, ये सारी चीज़ों को समझो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो। अगर ये चीज़ें आप समझ रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, और एक चीज़, मैं एक रियल टाइम वीडियो भी दूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं मेरे साथ इस कोर्स में जुड़ने के लिए, मेरे साथ इस जर्नी में चलने के लिए, मेरे साथ सीरियसली आर्ट में आगे बढ़ने के लिए, मेरे साथ इस कम्युनिटी को बढ़ाने में हेल्प करने के लिए, मैंने बोला ना, आज का टाइम लिख लो आप, 4-5-6 साल जो भी मैंने ये टाइम सोचा है ना, उसमें मैं कुछ बहुत बड़ा लाऊंगा यार इंडिया में, कुछ ऐसा कुछ करूंगा कि बहुत लोग आप लोग जुड़ोगे, बहुत लोग आप लोग साथ में ग्रो करोगे। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो जो मैंने एक चीज़ सोची कि जो जो ग्राफिक के मेंबर्स हैं, जो जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं कोर्स को लंबा भी दूंगा, 40 मिनट के चैप्टर को लंबा भी दूंगा, ज़्यादा चीज़ें भी बताऊंगा। आधे घंटे की चीज़ थी तो उसको मैं एक घंटा और बताऊंगा, नई नई चीज़ें और डालूंगा उसमें। ओके, 17 चैप्टर में जो जो चीज़ें थी उसके अंदर, जो जो चीज़ें आधे घंटे में नहीं हो रही थी, 40 मिनट में नहीं हो रही थी, वो चीज़ें भी डालूंगा। साथ में मैं आपको कल एक रियल टाइम वीडियो भी आपके लिए रेडी करूंगा। और मैं आपको बोल रहा था ना कि आप लोगों को लगता होगा यार राहुल बड़ा बड़ा बात बोलता है कि ऐसा करो, रिस्क लो, और हमको तो बस डायलॉग मारता है, ऐसा कुछ सोचते होगे आप। आपको पता है इस कोर्स को बनाने के लिए, ये जो 1200 रुपये का कोर्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ ना, इस कोर्स को बनाने के लिए मोर देन 1.5 लैक्स के कमीशन ऑर्डर मैंने मना कर दिए हैं। मेरी जो टीम है, मेरे साथ जो आर्टिस्ट काम करते हैं, मैंने उनको दे दिए सारे ऑर्डर्स कि आप लोग कर लो पूरा, मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई इस कोर्स को लेगा,
नहीं लेगा, कोई इतना सीरियस है कि नहीं है, मैंने सोचा नहीं था, पहले मैंने मना कर दिया, और मैं आपको पूरा फैक्ट बता रहा हूँ यार, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर मैं बोलता हूँ ना कि रिस्क लो, कभी कुछ सीखने का मौका मिले तो उसको उठाओ उस कदम को, जब मैं बोलता हूँ ना तो मैं वो करता हूँ यार। 1.5 लाख का ऑर्डर, एक ऑर्डर नहीं था, कई सारे ऑर्डर थे, छोटे 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 थे, लेकिन इतनी ही अमाउंट के थे। मुझे पता है कि फ्यूचर में वो ऑर्डर दोबारा आ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आज कर रहा हूँ ना, इस मोमेंट में, इस टाइम में, जो अभी 2020 चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पे लोगों को टेंशन हो रही है, जहाँ पे लोग आर्ट में बढ़ना चाहते हैं नहीं बढ़ रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिल रहा है, जिनको काम के बारे में टेंशन हो रही है, जो घर में है, जिनको नेगेटिविटी मिल रही है, उनके लिए कुछ करना है यार, कुछ तो करना है, आगे चल के कुछ बड़ा करना है। ओके, और जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ना लाइफ में, डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, इसलिए नहीं कि मुझे दिखाना है कि यार मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये अच्छा हुआ, इसलिए नहीं, इसलिए कि आप भी समझो कि आप भी कर सकते हो, आप और मैं अलग थोड़ी हैं, आप भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इसलिए मैं चीज़ें बोलते रहता हूँ कि आर्ट में स्कोप है यार, काम करो। ड्राइंग के ऊपर कोर्स बनाने का मेरा सिर्फ मकसद था कि आपकी ड्राइंग स्ट्रांग करो आप, जैसे ही आपकी ड्राइंग स्ट्रांग होगी, आप ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुके हो, अब आप कलर को बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप कोई भी मीडियम स्टार्ट कर सकते हो, इतना डिटेल आप मीडियम में लगाते हो, जितना मेहनत, जितना पैसा आप कलर को खरीदने में लगाते हो, उसके बहुत कम अमाउंट में ये कोर्स मैंने आपके लिए रखा है, ताकि आपको कोई पैसे की टेंशन ना हो। ओके, और मैं जब इस कोर्स को देने के लिए मैं अपने इतने बड़े कमीशन्स में मिस कर रहा हूँ, तो बस यही चाहता हूँ कि आप भी जुड़ो इस चीज़ से। ओके, ये ज़रूरी है यार, कई लोग बोलते हैं ना कि यार राहुल तो अपना कोर्स बेच रहा है क्या, ऐसा है वैसा है, इग्नोर, जिनको पता नहीं कि कोर्स के अंदर क्या है, जिसको सिर्फ फोकस करना है कि उस कोर्स की प्राइस क्या है, कि प्राइस सर महंगी है, प्राइस तो कॉस्टली है, बाकियों के तो 400-500 में मिल जाते हैं, एक बार आप बाकियों के लो, फिर आप देखना कि मैं क्या चीज़ें दे रहा हूँ, समझना कि क्या मेरा अंदर से मेरी चाहत है कि आप लोग किस लेवल पे काम करो, क्या चीज़ें आप सीखो। ओके, और इसके लिए मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ अभी, कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ये चीज़ बनानी है पहले। ओके, और जो भी, मैं हमेशा उनको, हमेशा मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं। ओके, क्योंकि मैं खुद उसी टाइप का हूँ यार, मुझे मौका मिलता है, मुझे मौका मिला आप लोगों के लिए एक बनाने का, मुझे लगा कि इसको बना के मैं कईयों की मदद कर सकता हूँ, कईयों तक ये चीज़ें पहुँचा सकता हूँ, तो मैंने अपनी जो ऑलरेडी चल रही थी उसको एक बार बंद किया, मैं ये कर दिया पहले। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, आपको आपके ऊपर है, अब आप देख लो, आपको जैसा भी लगे, आपको जो फील हो, आप उस हिसाब से कर सकते हो, अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, अगर आप उस 20% में आना चाहते हो, देन इट्स योर कॉल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो आप उसको एनरोल कर सकते हो आज, और रियल टाइम वीडियो मैं एक दूंगा आगे चल के, जिसके ऊपर काम चल रहा है, कोर्स के कंप्लीट होते तक मैं एक रियल टाइम वीडियो बनाऊंगा, और वो उन लोगों को मिलेगी जो कल तक एनरोल कर देंगे। ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी है जो मैं यहाँ पे लाइव बोल रहा हूँ आपको, एक रियल टाइम वीडियो मैं आपको दूंगा, जो भी चीज़ें मैं वीडियो डालता हूँ ना, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर रियल टाइम वीडियोस बन सकती हैं, और रियल टाइम वीडियोस मैं आपको दूंगा अगर आप कल तक एनरोल कर लेते हो, क्योंकि परसों से वो कोर्स रहेगा लेकिन वो रियल टाइम वाली वीडियो नहीं रहेगी। लाइफ तो ज़रूरी है हितेश, थैंक यू आपके लाइन्स के लिए, पर लाइफ को समझ के, संभाल के चलने से ना, अपनी जो आर्ट की जो जर्नी है वो आसान हो जाती है, अगर हमारी लाइफ बैलेंस रहे, हम बैलेंस कर सकें तो। ओके, सारी चीज़ें आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी। ओके, तो जिन्होंने भी एनरोल नहीं किया है, अगर आप वो अभी डायरेक्ट एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, टाइप यस, अगर जिसको जिसको एनरोल करना है तो, और कल तक अगर आप एनरोल कर लोगे तो वो रियल टाइम वीडियो भी मैं एक दूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक एक्शन टेकर हो, कि आप उस 20% में आने की ख्वाहिश रखते हो। कितने दिनों का कोर्स है? टोटल 17 चैप्टर है मानसी, उसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, 17 चैप्टर 17 वीडियोज़ हैं, लेकिन वो
एक साल आपको लग जाएगा उस चीज़ों को सीखने में। मैंने रखा एक जगह में है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि वो एक साल का कोर्स है, एक साल की चीज़ें हैं कम से कम जो आपको प्रैक्टिस करनी है। जो जो चीज़ मैं उसमें बताऊंगा, मैंने एक एक्सरसाइज दी 10 दिन प्रैक्टिस करोगे, दूसरी एक्सरसाइज 10 दिन प्रैक्टिस करोगे, तीसरी एक्सरसाइज 10 दिन प्रैक्टिस करोगे, 10 15 20 एक्सरसाइज आते रहेंगे आपकी लाइफ में, आपके उस कोर्स में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, जो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। उस रियल टाइम वीडियो में ड्राइंग हो सकती है या फिर मे बी पेंटिंग हो सकती है, बट एक रियल टाइम वीडियो ज़रूर रहेगी जिसमें आप कुछ रियल में सीखो, सिर्फ आप एंटरटेन नहीं हो, आप एक्चुअल में सीखो। ये सारी चीज़ें उस रियल टाइम वीडियो में, 1 घंटे की 1.5 घंटे की जितनी भी रियल टाइम वीडियो रहती है जिसमें मैं एक्चुअल में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको दूंगा ओनली आप कल तक एनरोल करते हो तो, बिकॉज देन आई विल नो कि आप एक्शन टेकर हो। ओके, जो अभी एनरोल करना चाहते हो, आप ग्राफी एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, ग्राफी इंटरेक्टिव स्टोरीज एंड बुक, उस ऐप को आप खोलोगे, उस ऐप में ड्राइंग मास्टरी बाय रियांश राहुल है, उसको आप एनरोल कर सकते हो। एंड बाकी आपके ऊपर अब डिपेंड करता है सारी चीज़ें। मेरे पास पैसे नहीं है सर। अशोक, इट्स योर कॉल, आपको डिसाइड करना है। आप ये समझो, देखो कई कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं जन्मजात सारी सुविधाओं से पला बढ़ा हूँ क्या? मेरे पास भी नहीं थे यार, जब मैंने पहली वो किताब खरीदी ना, जब मैंने वो लोग पहला कोर्स खरीदा अपने लाइफ में, किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट का कुछ चीज़ ली, तो मेरे पास भी पैसा नहीं था। जो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हो, काफ़ी लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हो यहाँ पे, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। जिन्होंने एनरोल किया हुआ है उनको तो मिलेगी ही मिलेगी। जो चीज़ें मैं देते जाऊँगा आगे चल के किसी लिमिटेड टाइम के लिए, वो सबको जो पहले से एनरोल्ड हो उनको सब मिलेगा। जो आगे आगे जुड़ते जाएंगे लोग, उनको पहले वाली चीज़ नहीं मिलेगी, बस इतना सा बात है। ओके, एंड जो भी बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उनकी कदर करता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप ऐसा झूठ नहीं बोल रहे हो, आप दिल से बोल रहे हो कि हाँ मेरे पास अभी पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि पैसे क्यों नहीं है? मुझे एक गर्ल थी, उनको भी पैसे की प्रॉब्लम थी। 1200 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है अकॉर्डिंग कंपैरिजन में, जो चीज़ें मैं उसमें डाल रहा हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें बोल रही हैं, कि जो भी लोग बोल रहे हैं, जो एनरोल्ड है उनको मिलेगा सुधांशु, उनको मिलेगा, जो एनरोल्ड है उनको सब कुछ मिलेगा, पर कल तक जो एनरोल करेंगे उनको वो रियल टाइम वीडियो उन्हीं को मिलेगी, आगे चल के वो चीज़ नहीं मिलेगी। ओके, पैसे क्यों नहीं है पूछता हूँ। देखो, पैसे इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं होती कि हम किससे पैसा कमा सकें। अगर मेरे को आर्ट की नॉलेज है, अगर मेरे को कोई लाइव डेमो पे बुलाता है, मुझे बोलता है कि सर यहाँ पे आप लाइव डेमो दे दो, मैं देता हूँ, तो वो लोग पे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने डेमो अच्छे से मैं दे सका। अगर मेरे पास, मैं कभी आर्ट सीखा नहीं होता, मैं कभी किसी दूसरे आर्टिस्ट से मैंने कोई बुक या फिर कोई कोर्स मैंने खुद पे इन्वेस्ट नहीं किया होता, मैं बड़े बड़े सेमिनार्स पे जाकर चीज़ों को सीखता नहीं, तो क्या लगता है आपको कि मुझे कोई पैसे देने को तैयार होता है? आप खुद सोचो ना यार, आप जब कमीशन वर्क करते हो तो आप चाहते हो ना कोई आपको पैसा दे, चाहते हो ना? क्यों चाहते हो? कि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। ओके, तो आप ये सोचो कि मैं इस कोर्स के ऊपर 1.5 महीने से मेहनत कर रहा हूँ और आगे चल के भी 2 महीने और 3 महीने मेहनत करता रहूँगा लगातार डेली सुबह शाम, कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ दे सकूँ। जब मैं 4 दिन में एक पेंटिंग बना के उसको इजीली 5 से 10 हज़ार रुपये में सेल कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ये कोर्स बना रहा हूँ? कभी सोचा है इस एंगल से? सोचा है कभी? कभी एक बार अलग नज़रिए से सोचना। हमेशा हर कोई झूठ नहीं बोल रहा होता यार, कभी इस चीज़ से सोचना कि मैं जब 4 दिन में 5 हज़ार 10 हज़ार की पेंटिंग बना के इजीली सेल कर सकता हूँ, तो मैं क्यों एक 1200 रुपये का कोर्स के लिए 3 4 महीने लगा रहा हूँ अपने लाइफ के? क्यों जो क्लाइंट्स मेरे आ रहे हैं, जो फॉरेन के क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको क्यों दूसरे आर्टिस्ट को दे रहा हूँ? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, आप स्किप करो? जो एनरोल हैं उनको रियल टाइम वीडियो नहीं मिलेगा, मिलेगा सुधांशु, मिलेगा। जो एनरोल कर चुके हो ना आप लोग पिछले बार, उनको सब चीज़ मिलेंगी। ओके, सारे मेरे कमीशन वर्क लोग फ्री में मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपके वर्क अभी इम्प्रूव नहीं हुआ है, आपको इम्प्रूव करने के लिए सीखना तो पड़ेगा ना। जब आप सीख जाओगे, चीज़ों को लोगे, एनरोल करोगे, नई नई इन्वेस्टमेंट करोगे, आप चीज़ों को इम्प्रूव करोगे, अपने आर्ट में इम्प्रूव करोगे, तब लोग आपको पे करने के लिए रेडी होंगे।
शुरू से किसी को कोई पे नहीं करता, तभी पे करता है जब खुद उसने कुछ किया है, जब खुद वो चीज़ें जानता है कि चीज़ें काम करेंगी, तब पीपल बिलीव इन यू, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपने जिन्हें जिन्हें भी अभी एनरोल करना है वो येस कृपया ट्राई करें। मैं आपको एक बार क्विकली प्रोसीजर बता देता हूँ ताकि आप मेरे साथ इस कम्युनिटी में जुड़ो। ओके, आगे चल के हम फिर और भी सेशंस करें, एंड आगे चल के मैं कुछ सेशंस करूँगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली आगे चल के मैं सेशंस करूँगा जो सिर्फ उस कोर्स के जो मेंबर रहेंगे उनके साथ Q&A भी करूँगा मैं। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने आपको दे दिया मैं अपने हाथ ऊपर कर लूँ, नहीं, आपके साथ मैं हमेशा जोड़ने का मैंने कमिटमेंट किया है, तो मैं बीच बीच में Q&A भी करूँगा, वो कोर्स के बाद होगा बट थोड़ा टाइम लगेगा बट होगा, Q&A भी होंगे जिसमें सिर्फ वो कोर्स के जो मेंबर हैं वही लोग रहेंगे, ताकि वो जो कोर्स में सीख रहे हो, जो चीज़ें आप जान रहे हो, जो डेली बेसिस पे आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर मैं आपको चीज़ें बताऊँ लाइव, और आप मेरे साथ उस लाइव सेशन में भी जुड़ो जो सिर्फ कोर्स के जो मेंबर हैं उनके साथ भी होंगे। ओके, तो जिनको जिनको अगर एनरोल करना है अभी प्लीज़ टाइप यस सो दैट मैं आपको जल्दी से प्रोसीजर बता दूँ। भूपेश, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप करना, मैं आपकी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका पेमेंट बैंक अकाउंट में अटक रहा है, मैं आपको उस कंपनी की तरफ से मैंने बात कर रखी कि आपके लिए वो ठीक कर दें चीज़ों को। तो जिन्होंने भी यस लिखा है आप प्ले स्टोर में जाओ, आप एक ग्राफी ऐप है, ग्राफी इंटरेक्टिव स्टोरीज एंड बुक्स, ये पूरा नाम है उसका, ग्राफी इंटरेक्टिव स्टोरीज एंड बुक्स। ओके, ये नाम है, आप उसको ओपन करो। उसके बाद ड्राइंग मास्टरी आपको मिलेगा, उसके अंदर ड्राइंग मास्टरी में आप इजीली डेबिट कार्ड या फिर बैंक अकाउंट किसी से भी, अपने पेटीएम कोई भी जो भी आप यूज़ करते हो आप इससे उससे इजीली एनरोल कर सकते हो, या अन अकेडमी का जो वो प्रोडक्ट है ग्राफी ग्राफी इंटरेक्टिव बुक्स एंड स्टोरीज, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है उस ऐप का, आप जाके आप इजीली ले सकते हो। मैं सेप्टेम्बर से जुड़ना चाहती हूँ, आप जुड़ सकते हो बट जो कल वाली लाइव एक रियल टाइम वीडियो में देने वाला हूँ वो आप मिस कर दोगे मानसी, वो आप मिस कर दोगे। तो आप मुझे एक बार आप व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें बता देना कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं एक स्लॉट बुक कर दूंगा, बट बुक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ बुक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए वो रियल टाइम वीडियो कल तक ही आप ले लो तो बेटर है, कोशिश करना कि आप कल तक एनरोल कर लो, इनफैक्ट आप आज ही कर लो तो और बेटर है, ताकि आप आज से स्टार्ट करो चीज़ों को सीखना। रियल टाइम वीडियो आपको अलग से मिलेगी, उस देखो आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं, उस ग्राफी में 15 चैप्टर मुझे बनाने को मिला था कि मैं 15 चैप्टर में सारी चीज़ें बता दूँ, 2 चैप्टर मैंने बोनस रखा, बोनस के भी कुछ पेजेस कम हो गए हैं, आगे चल के बोनस भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे चीज़ें कम होंगी, ये चीज़ आपको समझना है कि धीरे धीरे चीज़ें कम होंगी, तो जितना जल्दी आप एनरोल कर सको आप लोगों के लिए बेटर है, इसलिए मैं बता देता हूँ शुरू से कि आप लोग बाद में चीज़ें मिस ना करो। ओके, ये जो रियल टाइम वीडियो वाली बात है ना, ये मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, जो चीज़ें 15 चैप्टर में हैं वो मोर देन 15-20,000 रुपीज़ की हैं। ओके, प्राइस मैंने 1200 रखी है ताकि आप लोगों को टेंशन ना हो, लेकिन वो ऑलरेडी काफ़ी महंगी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सिर्फ मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ बिकॉज आई फील कि आप लोग एक्शन टेक करो, वो मैं आपको अलग से दूंगा, आपको मैं लिंक भेज सकता हूँ कि आपके पास वो लिंक रहे, सिर्फ आप ही वो वीडियो को देख पाओगे, इस तरीके से मैं उसको चीज़ों को दूंगा, बट अभी नहीं, वो मैं आगे चल के दूंगा, बट जो जो कल एनरोल कर चुके होंगे कल तक वो एलिजिबल हो जाएंगे उस रियल टाइम वीडियो के लिए कि उनका नाम लिस्ट में रहेगा। ओके, और एक बात, जो भी एनरोल कर चुके हो या फिर जो भी एनरोल करने वाले हो या फिर जो भी एनरोल आज करोगे, मेरे को व्हाट्सएप में अपने एनरोलमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि मैं आपकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लूं, ताकि आगे चल के जो भी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो मैं आपको डायरेक्टली मैसेज करके बता दूं, ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। किसी ने एनरोलमेंट कर लिया है तो टाइप यस, अगर किसी ने ऑलरेडी एनरोल किया है अभी तो टाइप यस, वो अपना स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना मुझे अभी। ओके, उमेश आप भूपेश आप एक बार को मैसेज करो एक बार, मैं आपको देखते हैं आपके साथ वो क्या चीज़ें क्या हम सुधार सकते हैं, आपका पेमेंट अटक रहा था बैंक अकाउंट में तो आप
ट्राई करो एक बार किसी फ्रेंड के पेटीएम या फिर गूगल पे वगैरह से। तो जिसने जिसने भी यस लिखा है, जिसने जिसने भी ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, आप प्लीज़ अपना जो एनरोलमेंट का स्क्रीनशॉट है मुझे व्हाट्सएप कर देना, और अपना नाम भेज देना और स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं अपना नाम सेव कर लूँगा ताकि आगे चल के कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो आपको, कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दो डायरेक्टली, कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली बता दो ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। ओके कोई भी चीज़ कहीं पे आपको कोई आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई ऐप में किसी किसी की ऐप अटक रही थी तो मैंने फिर उनको बता दिया कि इस तरीके से ठीक करो, तो उनका फिर ठीक हो गया वो चीज़। तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है बाई मिस्टेक, वैसे तो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम नहीं आई है, एक आध लोगों का जो ऐप में प्रॉब्लम हुआ उसको फिर मैंने ठीक करवा दिया था। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपनी एनरोलमेंट की फ़ोटो और नाम लिख के भेज देना, मैं सेव करके रख लूँगा। ओके तो जिसने जिसने एनरोलमेंट कर लिया है एक बार हार्ट डाल दो। बहुत देर से मैंने हार्ट नहीं देखा है, आप लोग हार्ट भेजते हो पता नहीं, एक तो अच्छा सा लगता है कि फैमिली वाली फीलिंग आती है। एक तो दोज हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड प्लीज कॉमेंट ए हार्ट फॉर मी एज यू ऑल आर माई फैमिली। ओके 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 थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ट्स। दोस्तों जिसने भी एनरोल नहीं किया है आप डेफिनेटली आज कर लो, आप आज से प्रैक्टिस चालू करो, आप चीज़ों को देखो क्या एक्सरसाइजेस हैं उसमें। चौथा चैप्टर आज लाइव हो जाएगा, मुझे उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगा। आगे चल के कुछ जो हैवी चैप्टर्स होंगे ना, जो थोड़े से डिटेल्ड चैप्टर होंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन वो डिटेल्ड में होंगे ताकि आपको समझ आए, कहीं से भी मैं कुछ चीज़ मिस ना करूँ, सारी चीज़ें डाल सकूँ और रियल टाइम में डाल सकूँ। इसलिए जो भी चीज़ मैं डालते जाऊंगा आप उसको प्रैक्टिस करते जाना। ओके दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो चीज़ मैं उसमें डालते जा रहा हूँ आप उसको प्रैक्टिस करते जाओ। जिसने जिसने भी एनरोल कर लिया है टाइप यस और टाइप हार्ट, और जिसने एनरोल नहीं किया है आई रिकमेंड यू, मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है, बस मैं चाहता हूँ कि आप कम्युनिटी से जुड़ो, आप एक्चुअल चीज़ें सीखो, मेरा बस वही मोटिव है, अब बाकी आपके ऊपर चॉइस है। ओके बट आपको सीखनी चाहिए ये चीज़ें हैं, एंड कल तक अगर आप एनरोल कर लेते हो तो रियल टाइम वीडियो आई विल गिव यू डेफिनेटली। एंड या सारी चीज़ें आई थिंक मैंने क्लियर कर दी हैं, अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके दिव्या थैंक यू, मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने एनरोल कर लिया है। ओके या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना मुझे, जिसका अगर कोई पेमेंट अटक रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल टेक केयर ऑफ इट, आई वॉन्ट टू लर्न। ओके रमन आप एनरोल करो, किसी को कोई प्रोसीजर से कोई डाउट है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बताओ। ओके ओके पानी पी लो, थैंक यू सो मच रुद्र। एक्चुअली क्या है कि आप बता देते हो तो मुझे याद रहता है। ओके मानसी जिसको इसको प्रॉब्लम हो रही है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आज ही कर देना, कल रात तक वैसे टाइम है बट आज ही कर दो तो बेटर है, दैट इज़ द थिंग। ग्राफी में क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये गुड क्वेश्चन उज्मा। ग्राफी में 15 चैप्टर्स ड्राइंग के ऊपर है, कि ड्राइंग आप कैसे स्टार्ट करोगे इम्प्रूव करना, और ड्राइंग जितना हम ड्राइंग को हल्के में लेते हैं ड्राइंग उतनी हल्की है नहीं, क्योंकि ड्राइंग अच्छी है तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, ये आप समझो पहले। ड्राइंग में टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे आप आई ट्रेनिंग करोगे, कैसे आप अपनी ड्राइंग की एक्सरसाइज करोगे डेली, कैसे आप जो बाकी टेक्निक्स हैं, ग्रिड्स हो, फ्री हैंड हो, या फिर लाइव ड्राइंग हो, ड्राइंग फ्रॉम लाइव हो, या फिर आप जब आप मॉडल स्टडी करते हो, लाइव पोर्ट्रेट स्टडी करते हो, तो क्या सारी चीज़ें उससे पहले आपको सीखने की ज़रूरत है। जो भी ड्राइंग में आपको सीखने की ज़रूरत है वो चीज़ें आपको मैं उसमें दे दूंगा, उसमें मैं डाल दूंगा, आप देखोगे, आप सीखोगे, बस आपको इन्वेस्ट करना है अपना टाइम। लूमीज मेथड, सब मेथड जो पोर्ट्रेट बनाने में लगते हैं ना, जो इजीएस्ट मेथड है जिससे आप कर सकते हो वो चीज़ें रहेंगी उसमें। ओके और सिर्फ उसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा,
जो इंटरनेशनल आर्टिस्टों से मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो चीज़ें भी रहेंगी, ताकि आप समझ सको कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको अवेलेबल नहीं हुई हैं आज तक, जो आपको सीखनी ज़रूरी है। छोटे से छोटा एक्सरसाइज या बड़े से बड़ा एक्सरसाइज, सब कुछ आपको करना है उसमें, जो जो मैं बताते जाऊंगा। तो ओके, आई कैन सी ट्रू डेडिकेशन फॉर अस, थैंक यू सो मच रॉयल, थैंक यू सो मच। वेन एवर इट कम्स टू आर्ट आई एम डैम सीरियस। ओके, जिन्होंने एनरोल कर लिया है ऑलरेडी, मैनी कॉन्ग्रेस टू यू। आप लोग कल से स्टार्ट करो अपनी ट्रेनिंग, अपनी ड्राइंग की जर्नी स्टार्ट करो आप। बीच बीच में मैं Q&A भी करूँगा आप लोगों के लिए, जो भी एनरोल्ड मेंबर्स हैं उनके लिए, जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। मेरा एक ही गोल है, आप लोग कुछ सीखो यार, रियल चीज़ें सीखो। ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सारे कलर्स के ऊपर जो वाटर कलर हैं या जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं ट्यूटोरियल्स लाऊंगा, डेफिनेटली लाऊंगा। थोड़ा सा मुझे अभी टाइम भी लग रहा है, क्योंकि मैं जो ग्राफिक के मेंबर्स हैं उनके लिए सेशंस बना रहा हूँ, उनके लिए चीज़ें बना रहा हूँ, और सारी चीज़ें मैं करता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन आई मेक श्योर कि यूट्यूब पर बाकी चीज़ें डेफिनेटली आएंगी, लेकिन जो चीज़ें ग्राफिक के अंदर हैं वो चीज़ें यूट्यूब में नहीं आएंगी, क्योंकि वो चीज़ें यूट्यूब में डालने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। यूट्यूब में वो चीज़ें आपको समझ भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये फिर ये। YouTube में वो चीज़ कन्फ्यूज़न हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि क्या करें कैसे करें। कोई नया बंदा आके पहले कुछ और देख लेगा तो वो गड़बड़ कर लेगा सब कुछ। इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास स्ट्रेटजी हो, आपके पास स्टेप्स हो, ये फिर ये करना है। सब जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से चलोगे तो बहुत जल्दी इम्प्रूव करोगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। गूगल एंड पेटीएम नहीं है तो आप फ़ोन पे हो, या फिर डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, आप किसी से भी एनरोल कर सकते हो मनीषा। एंड कोई भी अगर आपको किसी पेमेंट में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। खाना खा लो भाई, टाइम हो गया। आई लेट शुभम, नो वरीज। जब भी मैं कुछ करता हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। मुझे लगता है कि आप लोग जो इतने टाइम तक रुकते हो, उन लोगों के लिए तो मेरा रुकना बनता ही है। जब आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना मेरे लिए रुकते हो यार इतने देर तक, तो यार मैं कैसे जा सकता हूँ। थैंक्स फॉर डूइंग आर्ट वीडियोज़, हैज़ बीन ए इंस्पिरेशन टू मी, थैंक यू सो मच। एंड कीप वॉकिंग, इंस्पायर रहो, काम करो, इंस्पायर्ड हो जाओ, काम करो। मैं खा लूँगा रुद्र, डोंट वरी। जिन्होंने भी एनरोल नहीं किया है आप डेफिनेटली एनरोल करो। ओके, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता आपके मन में कोई प्रॉब्लम रह जाए, तो आप पूछ लो अभी, ताकि मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। सर मेक ए वीडियो अबाउट बार्क ड्राॅइंग, बार्क ड्राॅइंग पर भी वीडियो मैं डेफिनेटली आगे चल के बनाऊँगा। और बार्क ड्राॅइंग करने के लिए जो चीज़ चाहिए ना, वो चीज़ भी मैंने बताई है ग्राफी में, जिसको साइड साइज बोलते हैं ना, साइड साइज, वो सारी चीज़ें कि जो बेसिक्स है कि आपकी साइड साइज स्टडी स्टार्ट कैसे होती है, वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करूँगा। डिनर अभी करेंगे सुधांशु, डिनर कैन वेट, एवरीथिंग कैन वेट व्हेन यू आर वर्किंग, एवरीथिंग कैन वेट। एंड आगे चल के ना गाइज, मैं भी बहुत काम हो जा रहा है मेरे को, मैं ये कोर्स जो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ उस चीज़ में टाइम निकल रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो आगे चल के ना मैं सेशंस, जो चीज़ें होंगी आगे चल के, मैं और भी एनरोलमेंट के लिए चीज़ें लाऊंगा, बट जो चीज़ें मैं अपॉर्चुनिटी अभी दे रहा हूँ कि कल तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो आप उस चीज़ को लेना सीरियसली, क्योंकि आगे चल के फिर वो रियल टाइम वीडियो नहीं रहेगी। सर आप कब से ड्राॅइंग करते हो? ड्राॅइंग तो रमन मैं वैसे बचपन से ही करता हूँ, बट जैसे आप लोग करते हो ना, जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो नॉर्मल लाइफ के लोग करते हैं, मैं वैसे ही करता था। बट व्हेन आई टुक इट सीरियसली, जब मैंने 12th के बाद बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, तब मैंने सारी चीज़ें करनी चालू की, तब मैंने घूमना चालू किया, बड़े बड़े आर्टिस्टों से मिलना चालू किया, तब मैंने चीज़ों को देखना चालू किया, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चालू किया, तब मैं सीरियस होने के बाद मैंने ये सब चीज़ें चालू की। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो सीरियस हो वही लोग एनरोल करना, इफ़ यू आर नॉट सीरियस। मैंने बोला ना, आज किसी पर्सन ने मुझे बोला कि यार आप ऐसा कर रहे हो वैसे कर रहे हो, तो मैंने उनको अमाउंट, मैं उनका रिटर्न कर दूंगा आज, और 7-8 दिन में वो पहुंच जाएगा। ओके, आई डोंट वांट योर मनी। आपका जो अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो मनी नॉट, इट्स नॉट द मैटर दैट आई वॉन्ट, नॉट द फैक्टर।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि जो आप उस पैसे को देने के बाद जो आप अपना टाइम दोगे ना हर एक चैप्टर में, हर एक एक्सरसाइज में, वो मैं चाहता हूँ वो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। ओके, हाउ डू यू जनरेट रेवेन्यू, बिकॉज आई ट्राइड डूइंग ए वीडियो, इट हैव लॉट ऑफ एफर्ट टू इट, वाट इज यूज ऑफ डूइंग, प्लीज डोंट माइंड आई लाइक योर वीडियोज, आई डोंट वॉन्ट टू जनरेट वीडियोज थ्रू माई यूट्यूब एड्स, यूट्यूब एड्स बस ऐसे ही चलती है मेरी, चल रही है तो चल रही है, ऐसा है मेरा, इसलिए मैं कुछ ऐड चालू नहीं किए मैंने। आपको पता है यूट्यूब में चार टाइप की ऐड होती हैं, एक होती है जो नीचे आती है, एक होती है स्कीप करने वाली, एक होती है साइड में आती है, तो साइड वाली और जो बीच में आती है उसको मैंने अभी तक चालू ही नहीं किया है क्योंकि वो डिस्टर्ब करेगी। शुरू में स्किप करने वाली तो चल जाती है, बीच में आने वाली वाली ऐड को मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, और मैंने मेरे 100-150 वीडियो, 120 वीडियोस हैं, किसी भी मैंने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है वो वीडियो, वो ऐड आपको डिस्टर्ब करेगी सीखते समय, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को, उस ऐड को मैं नहीं रखता हूँ, बाकी ऐड मैं चला देता हूँ। तो आई डोंट वॉन्ट टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब एड्स, ओके, आई कैन अर्न बाई टीचिंग, आई कैन अर्न बाई मेकिंग कमीशन, आई कैन अर्न बाई सेलिंग माई वर्क्स, लॉट ऑफ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बहुत सारे कंपनीज मुझे अभी बोल रहे हैं उनके लिए मैं काम करूँ, बट आई एम नॉट वर्किंग बिकॉज आई एम वर्किंग राइट नाउ फॉर दिस ग्राफी, आई एम वर्किंग राइट नाउ जिसके लिए मैं कमिटेड हूँ, जो मेरा बड़ा गोल है ना, बड़ा जो ड्रीम है कि इस चीज़ के कारण काफ़ी लोग बहुत कुछ सीखेंगे, वो ड्रीम मेरा पहले ही बड़ा है, इसके बाद फिर सारी चीज़ें होंगी अपने आप। आप भी करोगे यार, जो जो चीज़ें मैंने आज बताई है ना उसको लिख के रखो। हेलो पंकज, हाउ आर यू ब्रदर, डिग्री डिग्री इज ए पेपर, उस डिग्री को पाने के लिए आपने कितना मेहनत किया है रियल में, वो इंपॉर्टेंट है। आपने मेहनत नहीं की, आपको डिग्री मिल गई तो काम की नहीं है, आपने बहुत मेहनत की फिर डिग्री मिली तो काम की है, सिंपल एंड स्ट्रेट। मैं ये नहीं बोलता कि डिग्री बेकार है, आप कभी भी मेरी वीडियोस को सुनोगे तो आप समझोगे, मैं कभी नहीं बोलता कि डिग्री मत लो, मैं ये बोलता हूँ कि डिग्री से फ़ायदा नहीं होता, डिग्री पाने के लिए जो रियल में मेहनत की है आपने, आपने दिन जान लगा के प्रैक्टिस की, दिन जान लगा के अपना काम किया, आपने जिन दिन रात लगा दिया मेहनत करने में, तब आपको डिग्री मिल रही है, तब आप बोल सकते हो कि मैंने कुछ सीखा है, तब ये डिग्री काम की है। कि कहीं पे मुझे काम करना है तो मुझे डिग्री दिखाना नहीं पड़ेगा, मेरी पेंटिंग देख के लोग काम दे देंगे। ओके, तो डिग्री बस एक साइड की चीज़ है जो आप साइड में रखोगे कि हाँ भाई ये भी है। ओके, भुवनेश्वर कब आओगे, डेफिनेटली आऊँगा दोस्त सुधांशु, भुवनेश्वर मैं बहुत बार गया हूँ, भुवनेश्वर में जाते रहता हूँ, और डेफिनेटली मैं जल्दी आऊँगा, और मेरे कुछ आर्ट के फ्रेंड है, आर्टिस्ट फ्रेंड है, उनके साथ उनको भी लेके आऊँगा मैं, सब मिलेंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आर्ट के ऊपर। पुणे भी आएंगे, दिल्ली भी आएंगे, मुंबई भी आएंगे, सब जगह आएंगे, जहाँ जहाँ कुछ आर्ट का कुछ इवेंट हो रहा होगा मैं वहाँ जाऊँगा, और डेफिनेटली आपको भी बोलूँगा कि आप लोग भी चलो साथ में, वहाँ पे घूमेंगे, ओके, सारी चीज़ें सीखेंगे। एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो दोस्त अजय, एक बार लॉकडाउन थोड़ा सा ये चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि हम मैं जहाँ रहता हूँ ना रायगढ़ में, यहाँ पे लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली चालू हो गए, यहाँ पे बहुत केस निकल रहे हैं, 70-80 केस परसों निकले थे यहाँ पे कोरोना के, तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे सारी चीज़ें सील हो गई हैं, तो यहाँ पे निकलना बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। जहाँ जहाँ आर्ट के फेस्ट होंगे सारी जगह मैं आऊँगा, एंड डेफिनेटली हम कुछ मिल के इवेंट्स में जाएंगे। भूपेश आप एक बार मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि आप मुझे डायरेक्टली भेजोगे पैसा तो आपका जो वो वहाँ पे जो ईमेल है वो खुलेगा नहीं उस ऐप के अंदर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वहीं पे ट्राई करो करने का, लेकिन आप बार बार आप कोशिश कर रहे हो आपका नहीं हो रहा, इसलिए मैंने लिख के रखी है आपकी चीज़, आप मुझे एक बार मैसेज करना, आप मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि आपकी चीज़ें सही हो सके। मैं रहता हूँ आकांक्षा, मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, आप रायगढ़ छत्तीसगढ़, एंड व्हाट इज़ योर डेली रूटीन। मेरा डेली रूटीन विश्वरूप बदलते रहता है, अभी जैसे मैं इस कोर्स को बना रहा हूँ तो मेरा बहुत टाइम जाता है इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाने में, चीज़ों को रिकॉर्ड करने में, और एडिटिंग पार्ट भी मैं संभालता हूँ कई बार, तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ, उसके बाद फिर मैं स्केचिंग करता हूँ अलग से थोड़ी बहुत, और जब मैं इन चीज़ों को ख़त्म कर लेता हूँ तो मैं फिर अच्छे से पेंटिंग भी करता हूँ, ताकि अभी मैंने आज सुबह एक पेपर को प्राइम करके रखा हुआ है यहीं पास में,
प्राइम करके रखा हुआ, इसमें दो तीन लेयर और दूंगा, उसके बाद फिर मैं एक ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करूंगा इसमें। दिल्ली आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, दिल्ली भी मैं बहुत जाते रहता हूँ, दिल्ली और मुंबई मेरे जाना होते रहता है। कोई अगर हिमाचल के और या फिर उस तरफ के हो, नॉर्थ साइड के, तो मैं वहाँ पे भी डेफिनेटली आना चाहता हूँ। आया हूँ ऐसे मनाली, पर मैं फिर से जाऊँगा आर्ट के इवेंट्स में। पेपर प्राइम कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैंने डाली भी हैं अजय, सारी चीज़ें मैंने डाली है, प्राइम कैसे करते हैं सारे पे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप चेक करना प्लीज़। प्लीज़ रीड, मैं 12th क्लास में हूँ, मैं तो मेरे लिए एनरोल करना सही है, मैं साइंस मैथ से हूँ तो पूरा टाइम पढ़ाई निकल जाता है, लेकिन मुझे आर्ट करना पसंद है। डेफिनेटली आप सीधी एनरोल कर सकते हो, और इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। उसमें जो एक्सरसाइज मैंने रखी है, मैंने ऐसी ऐसी एक्सरसाइज भी रखी है जिसको आपको हर दिन आधे घंटे देने हैं, पर वो एक्सरसाइज जैसे मैंने बताई हैं उसके कुछ रूल्स हैं, आपको उस रूल्स के हिसाब से चलना है। ओके, तो आप अपना स्कूल में हो तब भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कई सारे हाउस वाइफ्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनको दिन भर किचन में काम रहता है, इतनी मेहनत करते हैं वो, फिर भी वो आर्ट को टाइम दे रहे हैं, तो आप तो स्कूल में आप डेफिनेटली दे सकते हो। और 12th में हो तो आप बिल्कुल भी इजीली ले सकते हो, क्योंकि 6, 5, 4 ऐसे क्लास के बच्चों ने लिया है कोर्स, आप सोच सकते हो। उनको पता भी नहीं है कि रियलिज्म क्या होता है, उन्होंने लिया है कि वो चीज़ों को सीखना चालू करें और आगे चल के उस चीज़ में वो स्ट्रांग अपना बनाए पॉइंट। आई ट्राई कि मैं सारी जगह आ सकूं, वैसे मुझे पता है कि मैं जहाँ जाऊँगा आप लोग अपना बहुत सारा प्यार दोगे ही दोगे, पर जहाँ जहाँ जा सकूँगा मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ जाऊँ, और आप भी आ जाना। क्या आप छत्तीसगढ़ के नेटिव? नो, अर्लियर आई यूज टू लिव इन ओडिशा, ओडिशा में हम रहते थे ब्रजराज नगर में 2 ईयर्स बैक, फिर वी शिफ्टेड टू रायगढ़। ओके, किसी को एनरोलमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, देन आई विल टेक योर लीव। अगर मैंने सारे सवालों के उत्तर दे दिए, तो अगर मैंने सारे आपके डाउट्स दे दिए आपके, आई लिव इन रायगढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़। कोई आपको एनरोलमेंट से रिलेटेड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बताओ, एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे बता दो, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। भूपेश, आपका प्रॉब्लम मैं समझ गया, आपका पेमेंट रुक रहा है, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। उससे उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आपको नहीं मिल रहा है या कुछ हो रहा है ऐसा कुछ? ओके मानसी, कॉटन वर्सेस लिनन, लिनन इज़ बेटर क्वालिटी देन कॉटन, बट यू शुड स्टार्ट विथ कॉटन, कॉटन से स्टार्ट करो। लिनन लिनन बहुत अच्छा है कॉटन के कंपैरिजन में, बट स्टार्ट विथ कॉटन। सारी जगह आएंगे दोस्त, सारी जगह आएंगे। थैंक यू सो मच अनीता, थैंक यू सो मच, एंड यू ऑल आर माई इंस्पिरेशन, एंड आई लव यू ऑल। जो मेरे साथ जुड़ते हो ना, यू ऑल आर लाइक माई फैमिली। दोस्तों एक बार बता दो जल्दी से कि किसी को एनरोलमेंट से एनरोलमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को ऐप नहीं मिल रहा है, या फिर कोई कोर्स आपको खोल नहीं पा रहे हो, कुछ दिक्कत आ रही है, तो ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपके मन में, कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, एंड जो भी एनरोल कर रहे हो ना, आप मुझे अपना नाम और स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज देना, ताकि मैं आपको आगे चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, आगे चीज़ें आपको बताता रहूँ। थकान प्राजक्ता, थकान तो होती है, लेकिन थकने के बाद, जैसे मैंने बोला ना आप लोगों को कि थकने के बाद सुकून मिलता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं थक जाऊँ यार, इसलिए मैं थोड़ा देर ज़्यादा रुकता हूँ हमेशा। मेरा ग्राफी ऐप नहीं खुलता है। भास्कर, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, देन इट विल ओपन, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, मैं टीम से बात करके वो प्रॉब्लम 1-2 दिन में सॉल्व करवा दूंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट एनी थिंग, क्योंकि मैं हूँ हर जगह, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं व्हाट्सएप पे भी मैं इसलिए जुड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम आए इसलिए पूछ सको, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ओके, डेफिनेटली मिलेंगे दोस्त, डेफिनेटली मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ जहाँ जो पहुँच सकते हो पहुँचना। देखो मैं जहाँ रहता हूँ ना, मुझे दिल्ली जाने में 2 दिन लगते हैं अगर मैं ट्रेन से जाऊँ। ओके, और मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ट्रेन में ड्राइंग कर सकता हूँ। लाइव ड्राइंग करने मज़ा आता है।
अनीता व्हाट्सएप नंबर, जो भी आपको कोई एनरोलमेंट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एनरोलमेंट कहाँ से करें, आप ग्राफी ऐप खोलो, ग्राफी आप सर्च करो अपने प्ले स्टोर में, आपको एक ऐप मिलेगी ग्राफी GRAPHY, उसके अंदर आप जब उसको इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो ड्राइंग मास्टरी आपको मिलेगा, वहाँ पे एनरोलमेंट के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप एनरोल इजीली कर सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो आप मुझे आप आज व्हाट्सअप कर देना, आज रात तक मैं आपके जो क्वेरीज हैं आपको हैंडल करता रहूँगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, लेकिन आप मुझे आज व्हाट्सअप कर देना। ओके नो आई डोंट वॉच एनीमे, वैसे बहुत अच्छी चीज़ है वो, मुझे बचपन में काफ़ी पसंद था, बट स्लोली स्लोली टेस्ट चेंजेस। यू वेलकम अनीता, यू वेलकम। खाना खा लेंगे ब्रदर, एनीमे इज गुड, या डेफिनेटली एनीमे इज गुड। स्केच सीखना है आपको, ड्राइंग सीखनी है आपको, तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो, फ्लूट बाय हार्ट। ग्राफी फैमिली के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप मैं एक और नहीं बना रहा हूँ अभी जानबूझ के, क्योंकि मैंने कुछ और चीज़ें सोची हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से भी बेटर होगा वो चीज़। ओके मैंने बहुत कुछ सोचा यार, आप टेंशन क्या ले रहे हो, मैंने बहुत कुछ सोचा, मुझे ये कम्युनिटी को बड़ा करना है और सबको आगे लेके चलना है। ओके तो जो जो मुझसे जुड़ रहे हो, जो जो मुझसे इस ग्राफी में, मुझे इस ड्राइंग मास्टरी में जुड़ रहे हो, आगे चल के हम बहुत सारी कुछ चीज़ें करने वाले हैं। हम Q&A करेंगे जो सिर्फ ड्राइंग मास्टरी के मेंबर्स के लिए होंगे, ओके क्लोज ग्रुप में होंगे। यूट्यूब पे जो मैं लाइव करूँगा, क्वेश्चन एंड आंसर जो मैं करूँगा, वो ड्राइंग मास्टरी के जो लोग हैं उनको वो चीज़ें मिलेंगी। ओके तो जो भी एनरोल कर रहे हो डेफिनेटली करो, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग ए ग्रेट कम्युनिटी यार, एक आर्टिस्ट की कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके इट्स नॉट जस्ट ए सिंपल कोर्स, इट्स ए कम्युनिटी जो हम बना रहे हैं, जो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं अपने साथ में। ओके क्योंकि मैं जो हूँ मैं आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा, एंड यू विल सी दैट, क्योंकि जो सेशंस होंगे जहाँ पे मैं मिलने आऊँगा, हर जगह मिलेंगे ही ना, हर जगह हम जुड़ते ही रहेंगे। ग्राफी ऐप है GRAPHY ग्राफी, इंटरेक्टिव स्टोरीज एंड बुक्स वहाँ पे आ जाएगा, आपको दिख जाएगा, आप ग्राफी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, उसके अंदर ड्राइंग मास्टरी आपको मिलेगी। ओके ग्राफी ऐप GRAPHY ग्राफी, इंटरेक्टिव स्टोरीज एंड बुक्स लिखा होगा वो वाला ऐप है। जूम मीटिंग आगे चल के होंगी, अभी तो नहीं लेकिन आगे होंगी। ओके थोड़ी सी हमारी कम्युनिटी को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि सारे लोगों को जब आप लोग ऑलरेडी ड्राइंग को सीखना चालू कर चुके हो, एक लेवल पे आप ड्राइंग में पहुंच चुके हो, तब आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो एक अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे। अब तब आपके क्वेश्चन नहीं होंगे कि कौन सा सामान लूँ, कौन सा पेंसिल लूँ, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। ये चीज़ें मैं अभी बोल रहा था कि आप जो पूछते हो ना कि कौन से पेपर लें, कौन सा ये लें, वो लें, आज ग्रेड चैप्टर आ जाएगा रात तक। ओके मे बी 12 के पहले आ जाए, थोड़ा सा लंबा है ग्रेड चैप्टर। पिछला चैप्टर ग्रेड चैप्टर में मुझे लगा कि थोड़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे बतानी चाहिए डिटेल में, तो थोड़ा सा लंबा है वो, लेकिन आप सीखोगे तो आपको समझ आएगा कि ग्रेड ऐसा भी होता था क्या। आज तक आपने जो ग्रेड देखा है ना उससे ज़्यादा भी चीज़ें हैं ग्रेड में। ओके आपके माइंड से ग्रेड के ऊपर जो शंका है ग्रेड से रिलेटेड वो सब निकल जाएगी जब उस चैप्टर को आप देखोगे और सीखोगे। ड्राइंग टिप्स क्या, मैंने पूरा चीज़ ही डाल रखी है उसमें, आप एक बार एनरोल करो जगदीश, आपको चीज़ें समझ आएंगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली बेसिस पे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द क्रिटिकल पार्ट, कि आपको एनरोल करना है और वो चीज़ें आपको सीखनी चालू करनी है, जितनी जल्दी आप चालू करो उतना बेहतर है, वरना वो ऐप तो हमेशा के लिए रहेगा, बस जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा देता हूँ वो कम हो जाएंगी या फिर प्राइस आगे बढ़ेंगे। एक किसी ने पर्सन ने मुझे बोला कि सर बाकी आप देखना उस ऐप में ना, बाकी लोगों की प्राइस 300 है, 400 है, आपकी 1200 क्यों है,
आप अगर किसी कम रेट से मुझे कंपेयर करोगे तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा ही लगूंगा ना, लेकिन आप देखो कि मैं 20,000 की चीज़ जो मैंने अपने लिए ली, 20,000 30,000 जो मैंने लगाया, जो मुझे सीखने में लगा, उसको मैंने डाला 1200 में, तो आप उससे कंपेयर करोगे तो आपको बहुत कम लगेंगे 1200। तो आपको कंपेयर किससे करना है वो भी समझना पड़ेगा। ओके, फोकस ऑन वैल्यू, वैल्यू क्या मिल रही है आपको। आपको रायगढ़ आना नहीं पड़ेगा अनीता, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, जहाँ पे भी आप लोग रहते हो मैं आऊँगा, आप लोग, हम लोग मिलेंगे ज़रूर। ओके, आई थिंक गाइज आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, एनरोलमेंट से रिलेटेड भी आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल तक आप एनरोल कर लोगे तो आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगी वो ऑटोमेटिकली। आप मुझे बस स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप में एनरोलमेंट का, ताकि जो रियल टाइम वीडियो है फ्यूचर में आपको मैं दे सकूँ। ओके, विल सी यू अगेन, आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। अब नेक्स्ट सेशन कब होगा मुझे अब उसका पता नहीं है। मैं डेफिनेटली जब भी मुझे मौका मिलेगा कि मैं कर सकूँ मैं करूँगा, एंड मैं चाहता हूँ तब तक आप एनरोल करके सीखना चालू कर दो। ओके, आकांक्षा मैं तो हर जगह से सीखते रहता हूँ। गुड नाइट, मैं किसी आर्टिस्ट से मिलता हूँ उनसे भी सीखता हूँ, मैं पेड कोर्सेज भी लेता हूँ, मैं खुद की प्रैक्टिस भी करता हूँ, ऑनलाइन जो फ्री में मिलता है उनसे भी सीखो, कहीं पे कुछ पेड भी मिल रहा है वो भी लो, सारी चीज़ें मैंने बोला ना, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, जो भी चीज़ आपके काम की है उसको लो। ओके, जो भी चीज़ जहाँ पे आपको पैसे लगाना चाहिए अपने को इम्प्रूव करने में, वहाँ पे आप लगाओ। आपको क्या लगता है कि मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ तो मैं खुद कोई कोर्स नहीं लेता हूँ? मैं बहुत चीज़ लेता हूँ यार, बट देट आर वेरी कॉस्टली। जो अभी मैं एक बुक परचेस करने वाला हूँ उसकी प्राइस अराउंड 5,000 है, सिर्फ एक बुक की प्राइस है वो। आप सोच सकते हो कि मैं कोर्स जो आपको दे रहा हूँ कितने कम रेट में है वो। दैट इज़ द थिंग, आई होप हम फिर से मिलेंगे। चलो, ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट। एंड आगे चल के जो एनरोल्ड मेंबर हैं उनके लिए भी मैं सेशंस करूँगा Q&A, ताकि उनके मन में कोई डाउट ना रहे। ओके, ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, बहुत ज़्यादा अभी बाहर नहीं निकलो, घर में प्रैक्टिस करते चलो। ओके, जिसने भी एनरोल नहीं किया कर लो, इट विल बी, इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, नो वरीज, मैं सेशन डालूंगा, आप दोबारा देख लेना, जिसने जिसने भी यह सेशन अटेंड किया हुआ है उनको ये सेशंस दिखेंगे। ओके, शेयर ज़रूर करना, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि आपको अगर लगे कि आपके साथ कोई और भी कुछ सीख सकता है तो करना चाहिए। ओके, लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबडी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर आर्टिस्टिक जर्नी जो आप चालू कर रहे हो, एंड आई विल बी देयर ऑलवेज, जब भी मुझे लगे कि मैं आप लोगों को किसी ना किसी तरह आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकूँ। ओके, ड्राइंग टिप्स यूट्यूब चैनल, मैं आपका क्वेश्चन ही समझा जगदीश। गुड नाइट एवरीबडी, गुड नाइट एवरीवन। ड्राइंग की टिप्स कुछ यूट्यूब पे मैंने डाल रखी हैं, बट जो मैं ग्राफी में दूंगा वो टिप्स अलग हैं, यूट्यूब पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, वो टिप्स अलग हैं। दैट इज़ द थिंग। ओके, सो आई होप आप सभी आज एनरोल कर लोगे। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, स्टे सेफ, डिनर कर लो सभी, मैं भी करूँगा, आप भी कर लो। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीबडी, आप लोगों का इतना सारा प्यार मिलता है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।